जी गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत कम लोग हैं आज, आई थिंक एग्जाम है कोई, है ना? कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हम और लाइक यू नो वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। सुनाई दे रहा है? ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हाँ, तो आप देखिए बहुत कम लोग हैं, आई थिंक एग्जाम है बहुत सारे लोगों का। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर हमें करना है, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे पर करना तो है ही, है ना? वो वाली चीज है। जो लोग मेरे पबार्ड बैच से आज, उनको भी काफी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ बाकियों से बेटर आंसर दें वो, राइट? अच्छा चैप्टर शुरू होने वाला है। सो दैट इज आपके स्टैटिक पोर्शन का लास्ट पार्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक क्वेश्चन मिलेगा ही, आसान सा चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस। चैप्टर नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम देखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर वट ऑल वी हैव टू सी इज, वी विल सी इमोशंस। इमोशंस क्या होती हैं? इमोशंस एंड बैकग्राउंड, इमोशंस एंड बैकग्राउंड ऑफ अमर्जेंस एंड बैकग्राउंड ऑफ अमर्जेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ AI, कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? हम देखेंगे इमोशंस क्या होती हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट आया कहां से, राइट? वी विल सी दैट आल्सो। देन वी विल सी EI, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ EI। देखिए आपको दो क्वेश्चंस यहां से जरूर मिलेंगे इस पूरे चैप्टर से, कंपोनेंट्स ऑफ EI, तो कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ EI, वी विल सी दैट आल्सो। देन वी विल सी अ डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस बिटवीन EQ वर्सेस IQ। सी इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट क्या होता है, ये भी एक डिफरेंस देखेंगे। देन वी विल, दैट इज फिफ्थ, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये। EI इन गवर्नेंस, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कितना जरूरी है देश चलाने के लिए या गवर्नेंस के लिए। EI इन गवर्नेंस वी विल सी दिस। देन सिक्स्थ, व्हाट वी विल सी, यू नो सिक्स्थ थिंग वी विल सी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ EI, इंपॉर्टेंस ऑफ EI, हाँ जी ये फिफ्थ है, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ EI इन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, इन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम ये भी देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ EI इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वी विल सी दिस आल्सो। देन वी विल सी हाउ टू इंप्रूव। सी पहले सिलेबस डीकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर समझने में आसानी रहेगी। हाउ टू इंप्रूव EI और EQ, आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडिंग अ चैप्टर जब हमें पता ही नहीं है उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, राइट? वी विल सी टेक्निक्स एंड वेज टू डू इट, टेक्निक्स एंड वेज कि कैसे अपना EI बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट थिंग दैट वी विल सी इज पास्ट ईयर क्वेश्चंस। देन वी विल सी past year questions, past year questions, past year questions। तो आप देखिए in this class we will see everything about emotional intelligence, जितना हम कर सकते हैं यहाँ पर, जितना हम कर सकते हैं उसके अंदर हम देखेंगे है क्या emotions, क्या होती हैं emotional intelligence, governance के लिए क्यों जरूरी है, कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे बिगाड़ा जा सकता है, सारी चीजें we will see in this segment, we'll see in this segment, right? I hope this is clear. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यहां तक सबको क्लियर है?
So let's start with first thing, that is emotions. Emotions and emergence, emotions and emergence of concept of AI. पहले तो हम ये देखते हैं इमोशंस बेसिकली होता क्या है. इन देखो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है ना, देर इज इमोशन एंड देर इज इंटेलिजेंस. तो पहले हम देखते हैं इमोशंस क्या होता है और इंटेलिजेंस क्या होती है, हम वैसे चलते हैं. चलिए, सी यू टेल मी सर, इंट्यूटिव फीलिंग एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रीजनिंग एंड नॉलेज. तो आपका कहने का मतलब है इमोशंस जो होते हैं उसके अंदर रीजनिंग वगैरह नहीं होती है. Like it's not reason. Emotions are displayed without reason. Are you saying that? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि they are intuitive feelings without reason, तो obviously उनका no, that's not true. Exactly. I think वो एक statement सही है, एक feature सही है. Sir, emotion can be said energy in motion. Energy in motion. चलो चलते हैं वहां तक चलते हैं. पहले मेरे को ये बताओ knowledge क्या होती है. आप कहते हो ना ये तो भैया बहुत नॉलेजेबल इंसान है. नॉलेज क्या होती है? ओके ओके, नॉलेज क्या होती है? कैन यू टेल मी? नॉलेज इज एक्सपीरियंस. नॉलेज इज एक्सपीरियंस. सी अगर आप मेरे को देखो और बोलो कितना नॉलेजेबल इंसान है यार, या मैं आपको देखूं और मैं आपको बोलूं कितना नॉलेजेबल इंसान है, पहले तो आप ही घबरा जाओगे कि मैं नॉलेजेबल, राइट? बट स्टिल, व्हाट इज नॉलेज? इंफॉर्मेशन. पूरा बताओ यार, मतलब थोड़ा उससे कि क्या हुआ नॉलेज, क्या हुआ नॉलेज? कम्स विद एक्सपीरियंस, बट दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ नॉलेज ना. देन रैशनल बिहेवियर बैक्ड बाय राइट इन्फो. बिहेवियर की डेफिनेशन है वो तो. फिर स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन. ओके, देखो नॉलेजेबल तो कोई भी हो सकता है एंड एक्सपीरियंस, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्ट? सी नॉलेज को बेसिकली हम कह सकते हैं क्या, अगर मैं सिंपल भाषा में इसे सम अप करना चाहूं, क्या मैं कह सकता हूं नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पोजेसिंग एबिलिटी, इंफॉर्मेशन पोजेसिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. भैया आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है वो आपकी नॉलेज डिसाइड करेगा. सी अब देखो जैसे वो चल रहा है, देखो मेरे को नहीं पता, प्लीज हंसना मत इस चीज पे. दो दिन से मेरे वो सोशल मीडिया हैंडल पे बार बार कुछ आई जा रहा है. वो कभी मोदी जी की फोटो आ रही है, कभी राहुल गांधी की फोटो आ रही है, कभी कुछ भी आ रहा है और उसके अंदर लिखा हुआ है पावरी चल रही है, पता नहीं क्या क्या. मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा. आई एम नॉट नॉलेजेबल इन दैट एस्पेक्ट. सी मेरे को बस इतना समझ आ रहा है कि शायद कोई मजाक उड़ाने की कोशिश हो रही है इसके अंदर, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं. सर वो पार्टी हो रही. एग्जैक्टली. तो आप इस केस में नॉलेजेबल हो, मैं नहीं हूं. यू हैव दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट, बट आई डिडंट हैव इट. सो नॉलेज को सिंपल भाषा में अगर सम अप करना हो वो है इंफॉर्मेशन पोजेसिंग एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस का चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं. मेरे पास फिलहाल नॉलेज है बिकॉज आई नो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. आपके पास अभी नहीं है. यू डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग AI. हो सकता है थोड़ी हो सकता है, पर उतनी नहीं होगी क्योंकि मैं आपको अभी आपको करवाया नहीं है हमने. तो आप देखिए नॉलेज इज बेसिकली एक इंसान के पास इंफॉर्मेशन है कितनी, एक इंसान के पास इंफॉर्मेशन है कितनी. सी अब आपने मेरे को बता दिया कि जो वो चल रहा है वो है पार्टी चल रही है. वो मेरे को पावरी लग रहा था, मेरे को मतलब भी नहीं पता उसका. आपने बोला पार्टी चल रही है, आपने मेरे को बताया. देन हाउ कैन यू डिफाइन इंटेलिजेंस? नॉलेज तो आपने बता दिया, नॉलेज आपने बता दिया. नॉलेज इज कितनी इंफॉर्मेशन है. इंटेलिजेंस क्या होता है? आप बोलते हो ना इंसान बड़ा इंटेलिजेंट है. सी दो अलग अलग चीजें बोलते हो आप, कि ये बहुत नॉलेजेबल है, या आप बोलते हो ये बहुत इंटेलिजेंट है, या ये बहुत इंटेलिजेंट है. तो इंटेलिजेंस आप कैसे बोलते हो, इंटेलिजेंट वर्ड कैसे यूज करते हो? सर एबिलिटी टू एक्सरसाइज बेटर, एबिलिटी टू एक्सरसाइज नॉलेज. एग्जैक्टली राइट. एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोजेस नॉलेज. करेक्ट करेक्ट. इंटेलिजेंस सिंपल होता है, इंफॉर्मेशन होना एक बात है, नॉलेज होना एक बात है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी. दोनों में डिफरेंस प्लीज क्लियर रखेंगे.
कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे तरीके से प्रोसेस कर रहे हो, यूज कितने अच्छे से करते हो। सी फॉर एग्जांपल, ये मैं हर बार बोलता हूं, जैसे आप देखिए बचपन में ये सबने पढ़ा होता है या आपने भी ये देखा होता है कि अगर हम आपको हम बचपन से सिखाते हैं कि अगर आप बी इन क्यू, अगर आप लाइन में चलोगे तो केओस होने के चांसेस कम है। पर आप कभी कभी खुद ही देख लेते हो, कभी कभी क्या होता है जब किसी टिकट काउंटर पे या कहीं पे लोग लाइन तोड़ रहे होते हो, आप भी लाइन तोड़ देते हो। तो इंफॉर्मेशन होना, नॉलेज होना एक बात है, उसे यूज करना एक दूसरी बात है। आप उसे कितने अच्छे से प्रोसेस कर रहे हो, दैट डिफाइंस योर इंटेलिजेंस, दैट डिफाइंस योर इंटेलिजेंस। बचपन में आपको सब पढ़ाते हैं वैल्यूज के, बड़ों के बीच में नहीं बोलना, बड़ों छोड़ो, अगर कोई दो इंसान बीच में बात कर रहे हैं तो आप बीच में टांग ना अड़ाएं, नॉर्मल नॉर्मल कंसेप्ट, बट स्टिल यू डू इट। सो यू हैव इंफॉर्मेशन बट यू डू नॉट प्रोसेस इट। सी जनगण मन सब पढ़ते हैं, जनगण मन सबको आता है ना, सबको आता है जनगण मन, बचपन में सबने कोशिश की है, नॉलेज सबके पास है, मतलब बहुत कम लोगों को पता है या उस चीज को रियलिटी में इंप्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि फिर आप बोलते हो ये इस कास्ट से है, ये इस धर्म से है, ये इस रीजन से है, ये उस रीजन से है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू नो हैविंग द नॉलेज ऑफ जन गण मन व्हेन यू डोंट प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। सो इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करे। सारे के सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास नॉलेज होती है, सबके पास होती है, सब पढ़ते हैं इतना, बस जो बंदा इंटेलिजेंस दिखाता है वो पेपर निकाल देता है। सिर्फ प्री में यूज करनी आनी चाहिए ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी आनी चाहिए, वरना क्या फायदा, है ना। इट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी। सी इट इज मेजर्ड बाय, कैसे आप मेजर करते हो ज्यादातर एक बंदे की इंटेलिजेंट। सी नॉलेज तो आप मेजर नहीं कर सकते, हर बंदे के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, पढ़ के आ सकता है। इट इज मेजर्ड थ्रू आईक्यू। आईक्यू टेस्ट करवा लेते हैं हम, आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन का टेस्ट करवा लेते हैं, जिसके अंदर आपसे रीजनिंग वगैरह कराते हैं। से आपने रीजनिंग के क्वेश्चन देखे हैं, रीजनिंग, वर्बल, जो आपका सीसैट का पेपर है, रीजनिंग, वर्बल, पजल्स। सी क्या बोलते हैं आपको, वो बोलते हैं आपको सबको नॉलेज है, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज नॉर्थ, पीछे वाला साउथ, आप सबको आता है ये, आप सबको आता है ये। क्या होती है रीजनिंग के क्वेश्चंस, क्या होते हैं वो, आपको बोलते हैं वन पर्सन गोज 50 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, वॉक्स 10 किलोमीटर, टर्न्स बैक, अब कौन सी डायरेक्शन में है वो। तो उन सबको पता है आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब पता है आपको, राइट लेफ्ट सब पता है आपको, किलोमीटर सब पता है, लेकिन वो देखना चाहते हैं आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस कितने अच्छे से करते हो, आपको थोड़ा सा घुमा के। सो नॉलेज इज वन थिंग, इंटेलिजेंस कैसे चेक होती है, आपसे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस करके। सी अ फादर इज, वो जैसे होता नहीं है, अ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, इफ 5 years बैक ही वॉज ऑफ 30 years, आज उसकी कितनी एज है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको सीधा भी बता सकते हैं फादर 50 साल का है, लड़का 25 साल का है, लेकिन वो आपको ऐसे घुमा के रीजनिंग वगैरह वो ये क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं मैथ्स के, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सब कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। सो इंटेलिजेंस, देखिए नॉलेज होना एक बात है, पर इंटेलिजेंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। See, are you getting this? हालांकि बिना नॉलेज के इंटेलिजेंस का भी क्या अचार डालोगे आप, पर यू नीड इंटेलिजेंस ऑल्सो। सी इंटेलिजेंस इट हेल्प्स इन सिंबल मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। सी नॉलेज आपके पास एक है, जब आप मार्केट में कोई सिंबल्स देखते हो, सिंबल्स मतलब आपने कोई लैंग्वेज, किसी ने कोई लैंग्वेज बोल दी, कोई चीज बोल दी, कोई इवेंट हो रहा है, तो आप उसके अंदर अपनी नॉलेज को अच्छे से प्रोसेस कर सकते हो। सी एक इंटेलिजेंट आदमी पता कर सकता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके पास नॉलेज तो होती है। सी फॉर एग्जाम्पल, आप बुक में पढ़ के गए कि दशहरा के दिन रावण को आग लगाई जाती है, है ना। तो आप किसी एक लेट्स से दशहरे वाले दिन आप मार्केट में घूम रहे हो और आपने एक साइड वाले ग्राउंड में भीड़ इकट्ठा होते हुए देखी, आपसे किसी ने पूछ लिया क्या हो रहा है, तो देन यू नो आज दशहरा है, दशहरे के दिन भीड़ इकट्ठी होती है। दैट इज सिंबल मैनिपुलेशन, कि दिस भीड़ इज बिकॉज मे बी दशहरा चल रहा है, मे बी वैक्सीन लग रहा है, मे बी कुछ और हो रहा है, मे बी मुफ्त में लंगर बट रहा है, लंगर मुफ्त ही होता है, या मे बी कुछ और हो रहा है। तो एक इंटेलिजेंट आदमी आसपास की सारी चीजों को देख के वो बताता है। सी फॉर एग्जाम्पल,
जब मेरे को ये पता है कि सोशल मीडिया पे मीम ज्यादा चलते हैं, तो मैंने जब कल पॉलिटिशियंस की वीडियोस देखी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज की वीडियो देखी जो सोशल मीडिया पे आ रही थी, नीचे लिखा हुआ था, मेरे को नहीं पता था वो क्या चीज है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, तो मेरे को इतना पता है कि ये कुछ मजाक से रिलेटेड चीज है, आई डिड नॉट टेक इट मच सीरियसली। अब आपने मेरे को नॉलेज दे दी तो अब मैं प्रोसेस कर लूंगा, है ना, मैं भी इस क्लास के बाद फिर पावरी चल रही है, राइट, आई विल आल्सो डू दैट, सो दैट इज द थिंग। सर, इंटेलिजेंस इज आल्सो द मेजर थ्रू मार्क्स, या रीजनिंग वगैरह होगा ना। इंटेलिजेंस के लिए हम आईक्यू टेस्ट करवाते हैं, आपके कोई भी टेस्ट करवाते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमने आपको, देखो क्लास के अंदर टीचर ने आपको पढ़ा दिया कि हिस्ट्री के अंदर मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट था, फिर आपका एक टेस्ट ले लिया, तो उस टेस्ट में क्या आप अपनी नॉलेज को प्रोसेस कर पाए, क्या उस दिन आप लिख पाए वो आंसर के, तो हम वैसे इंटेलिजेंस चेक कर लेते हैं। सो नॉलेज जो है उसे चेक करना बहुत मुश्किल है, हर बंदे के पास नॉलेज होती है, लेकिन जब आप नॉलेज को डिस्प्ले करोगे तो इंटेलिजेंस पता चलती है हमें। अगर आप नॉलेज डिस्प्ले नहीं कर रहे हो, हाउ कैन वी से इंटेलिजेंट। जैसे आपके मम्मी बोलते हैं ना, ये इंटेलिजेंट तो बहुत है पर मार्क्स नहीं आते इसके। आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप नॉलेजेबल हो, आपको नॉलेज बहुत है। ज्ञान बांटने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाते हैं, पान की दुकान पर खड़े हो जाओ बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन वो इंटेलिजेंट में भी नहीं है, क्योंकि वो जब पेपर होता है, जब डिस्प्ले करना होता है, तब शायद वो नहीं कर पा रहे हैं वो वाली चीज, शायद, राइट। सो इट हेल्प्स इन सिंबल मैनिपुलेशन। सी, इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर अडेप्टेशन, इंपॉर्टेंट फॉर अडेप्टेशन। अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए। नॉलेज होनी एक बात है, आपको सर्वाइव या अडेप्ट करने के लिए, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए इंटेलिजेंस जरूरी है, इंटेलिजेंस जरूरी है। आई होप ये क्लियर है। नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन यू हैव, एंड इंटेलिजेंस इज हाउ यू प्रोसेस इट। सर, बेसिकली इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, एग्जैक्टली, मैं वही बता रहा था, करेक्ट, मैं वही बता रहा था। अब आओ, इमोशंस क्या होते हैं फिर, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस, आप बताइए इमोशंस क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस बेसिकली। फीलिंग्स, थॉट, जैसे पहले भी आंसर आया था, फीलिंग्स हो गया, थॉट हो गया, आपकी बॉडी मूवमेंट्स हो गई। सी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बिहेवियर ऑल्सो, ऑफ फीलिंग्स ऑल्सो, ऑफ थॉट्स ऑल्सो, एंड इमोशन इज बेसिकली, नो, इमोशन इज नॉट इरेशनल बिहेवियर, बिकॉज वन इमोशन इज हैप्पीनेस ऑल्सो, थॉट्स इज इरेशनल। अभी मैं स्माइल कर रहा हूं, ये मेरी इमोशन है, एग्जैक्टली, दैट इज अ बेटर, इनर डायरेक्टेड फीलिंग्स, आपकी कुछ फीलिंग्स ही, इमोशंस जो होता है ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। लेट्स जस्ट राइट डाउन इन बुलेट पॉइंट्स में इसे करते हैं। सी, इमोशंस, इट एनकम्पासेस ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स, इट एनकम्पासेस ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स behaviors and changes, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, changes in body and mind, है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं इसका एक write-up भी अभी लिखवाने वाला हूं। See, basically it is a reaction to event, people or object. See, life में कुछ भी होता है, उन्हें देख के या उनके बारे में सुन के आपको इमोशंस आपको मिलती है। See, मैंने एक जोक क्रैक किया, आपने सुना कुछ और एकदम से हंसने लग गए, वैसे मेरे जोक पे ज्यादा लोग हंसते नहीं है, बट आप हंसने लग गए, तो आप देखिए, दैट इज योर इमोशन, यू शोड द इमोशन ऑफ बीइंग हैप्पी बाय लिसनिंग टू समबडी। See, आप, see, let's say, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एकदम से दरवाजा खुले और मेरा भाई आ जाए, like he stays in US, let's say एकदम से आ जाए, तो I'll be surprised and maybe happy. So, एक इंसान मल्टीपल इमोशंस एक साथ दिखाता है, लेकिन यू सी, जस्ट, इट इज बेसिकली अ रिएक्शन टू समथिंग। लेट्स से, अच्छा, कोई जोर से मेरे दरवाजे पे मुक्का मारे, मैं डर जाऊंगा, आई विल इमीडिएटली रिएक्ट लाइक दिस, दैट इज ऑल्सो इमोशन दैट आई शोड, इट्स अ रिएक्शन टू समथिंग, कुछ ना कुछ हुआ होता है जिसके बदले आपको रिएक्शन मिलेगा। और इसके अंदर देखो क्या क्या हुआ, किसी ने दरवाजे पे जोर से मुक्का मारा तो आई वॉज लाइक दिस,
तो बॉडी मूवमेंट, माइंड के अंदर मूवमेंट, डर लगा एकदम से कि क्या हुआ, बॉडी के अंदर मूवमेंट, माइंड के अंदर मूवमेंट, और बिहेवियर भी चेंज हुआ ना, आई वॉज लाइक दिस, आर यू गेटिंग दिस, और बिहेवियर में पूछ रहा हूं डर डर के, कौन है भैया, आर यू गेटिंग दिस, पता चले आप लोग गुंडे भेज रहे हो, राइट तो आप देखिए द गेम इज वेरी सिंपल. इमोशन इज समथिंग दैट इज शोन एज अ रिएक्शन टू सर्टेन इवेंट, और इसमें बहुत सारी चीजें होती है, माइंड मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, और बहुत माइंड मूवमेंट के अंदर आ गए ना थॉट्स, एग्जैक्टली थॉट्स, बिहेवियर, फीलिंग्स, इंपल्स, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर. अभी मैं थोड़ा बेटर समझाता हूं. इट इज कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, इट इज कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले अमंग, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले अमंग physiological, complex interplay among physiological, cognitive, physiological, cognitive and situational variables, and situational variables, and situational. See, कुछ body movements होंगी, right? कुछ बिहेवियर मूवमेंट्स होंगी, कुछ सिचुएशनल होगी. अभी मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं, राइट. लेट्स सी, इमोशंस के अंदर बहुत, इट्स अभी के लिए बस इतना समझो, इट्स अ रिएक्शन टू एन इवेंट और एनीथिंग दैट हैज हैपेंड टू अ पर्सन आल्सो एंड टू एनीथिंग. लेट्स राइट डाउन, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा. तो आप देखिए, इमोशंस रेफर टू, सी डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो. जस्ट आपको समझना, इट्स अ बॉडी मूवमेंट एंड माइंड मूवमेंट, थॉट्स, फीलिंग्स एंड ऑल इन रिएक्शन टू समथिंग. सो इमोशन रेफर्स, अच्छा जस्ट टेल मी, डज एवरीवन शो सेम इमोशंस और दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी मूवमेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो लेट्स से रिएक्शन टू इट? हाँ, दे हैव डिफरेंट, ऑलमोस्ट सेम हो सकता है. लाइक हर बंदा अगर डरे तो हो सकता है 90% ऑफ द पीपल क्राई व्हेन दे आर इन फियर, जब वो डर वाली इमोशन दिखा रहे हो, फीलिंग दिखा रहे हो. लेकिन आपने देखा है ना, आप हॉन्टेड भी देखने गए हो कोई, तो बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, कुछ लोग मजे में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं. तो जरूरी नहीं है हम इसे स्टीरियोटाइप करें कि जब खुश होता है तो हर बंदा स्माइल कर रहा होता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो. एग्जैक्टली, हर बंदे का अलग होता है. कभी कभी आप देखो जो बहुत टेंस सिचुएशन होती है, हो सकता है आपके फादर एकदम स्ट्रांग खड़े हो, अंदर से घबरा रहे हो वो भी, लेकिन स्ट्रांग खड़े हो आपको दिलासा देने के लिए, आपके मम्मी रो रही हो. सी, इसमें भी मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूं, पर ज्यादातर आप देखते हो, योर मदर क्राइज व्हेन समथिंग गुड हैपेंस, व्हेन समथिंग बैड हैपेंस, एंड जनरली ऑल्सो. सो बेसिकली ओवर स्टीरियोटाइप करना अलग नहीं है, बट हर बंदे का अलग होता है. फादर्स के साथ भी हो सकता है, हर एक के साथ होता है. जनरल मैंने पेट्रार्की स्टीरियोटाइप कर दी हालांकि. सो इमोशन रेफर्स टू, इमोशन रेफर्स टू साइकोलॉजिकल, देखो दिमाग में चलती है सारी चीजें. इमोशंस रेफर टू साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, साइकल, जैसे कि अभी उन्होंने बताया था कि इंटरनल फीलिंग होती है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स that includes psychological response, that includes, देखो define करना बहुत मुश्किल है, but generally emotions के तीन components होते हैं, that includes three components, right? First component है physiological changes. Physiological का मतलब है physical changes, that is behavior, जो आपके body movement होती है, जो आपकी body movement होती है. See for example, ये पानी का glass उठाया मैंने और मैंने ये पिया, बहुत ठंडा था तो मेरा शक्ल पे अलग सी emotion आई, body movement हुई. बहुत गर्म होता तो अलग feeling आती, normal होता तो कोई feeling शायद ना भी आती. Like smile, tears, exactly. तो फिजियोलॉजिकल होता है, इमोशन तो आप हमेशा ही दिखा रहे हो, हर बार अलग अलग भी हो सकती है. बॉडी मूवमेंट आपकी क्या करते हो, कुछ लोग गुस्सा होते हैं तो एंग्री होते हैं बहुत ज्यादा, दे शाउट व्हेन दे आर एंग्री कि क्या कर दिया ये, मेरे को नहीं पढ़ना, क्या मेरे को नहीं बर्तन मांजने, लाइक ऐसी ऐसी चीजें आप बोलते हो. कुछ लोग गुस्सा होते हैं तो चुपचाप अपने रूम में जाके हेडफोन लगा के बैठ जाते हैं,
Are you getting this? तो आप देखिए हर बंदे का अलग है पर हर बंदे का रिएक्शन होता है. सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर दिस इज इनवॉलेंटरी. ये नेचुरल है. जैसे मैंने पानी पिया अपने आप हो गया वो, राइट. सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर इनवॉलेंटरी इनवॉलेंटरी बॉडी रिस्पॉन्सेज. अब ये डेवलप हो चुका है आपको पता भी नहीं है. इनवॉलेंटरी बॉडी रिस्पॉन्सेज फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एंग्री इमोशन. लेट्स से जब आप गुस्सा हो ड्यूरिंग एंग्री हार्ट रेट इंक्रीजेस है ना. आपने देखा ना आपके अंदर वो कुछ हो जाता है, आप सांस चढ़ने लगते हैं, आपके हार्ट रेट तेज हो जाता है. मेरे को बोलेगा ऐसे ऐसे आप चीज बोलते हो. तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड फिजिकली इन योर बॉडी नॉर्मली. जैसे अभी आप आराम से बैठे हो एकदम से फ्रस्ट्रेशन हो जाए तो आप वो कर दे तो वो होता है ना हार्ट रेट इंक्रीजेस, राइट, ड्यूरिंग एंग्री. जरूरी नहीं है पर होता है. सिमिलरली ड्यूरिंग हैप्पीनेस जब खुश होते हो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, आपके चेहरे पे आप लाल हो जाते हो, लाइक ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है बॉडी के अंदर. ड्यूरिंग हैप्पीनेस यू स्माइल है ना, बॉडी ब्लड बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा होता है, बहुत सारी अच्छी चीजें होती है ना. ड्यूरिंग हैप्पीनेस यू स्माइल, वो वाली चीज है. तो आप देखिए इमोशंस के अंदर तीन चीजें होती हैं. एक वो बॉडी मूवमेंट जो इनवॉलेंटरी है, जो आपको पता नहीं है पर हो जाता है, गुस्से में चीखना, हार्ट रेट बढ़ना, स्माइल करना, रोना, वो सारी चीजें फिजियोलॉजिकल चेंजेस. दूसरा होता है बिहेवियर चेंजेस. बिहेवियर सी ऊपर वाली बॉडी मूवमेंट थी लाइक इनवॉलेंटरी बॉडी मूवमेंट थी, ये होता है एक्चुअली आप कैसे इमोशन को एक्सप्रेस करते हो. हर बंदे का अलग हो सकता है. दैट इज दिस इज एक्चुअल एक्सप्रेशन. एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन कि एक्चुअल में आपने कैसे इमोशन को वो किया. से लेट्स से आपको गुस्सा आया, हार्ट रेट तेज हुआ, आपने क्या किया, किसी को पीटा, खुद को पीटा, छत से कूद, ओके नो, राइट, पर किसी को छत से गिर दिया, राइट. सो दैट इज थिंग दैट यू डू. एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन फॉर एग्जाम्पल शाउटिंग वेन एंग्री. गुस्से थे तो शाउट करने लगे, शाउटिंग वेन एंग्री. हाँ बिहेवियर चेंजेस आर वॉलेंटरी. ये वॉलेंटरी होता है. ये अभी इमोशंस भी देखते हैं. और तीसरा कॉम्पोनेंट बहुत सब्जेक्टिव है, उसे हम वैसे नहीं कर सकते. सी मैंने क्या बोला है, सिंपल सी स्टॉप टॉकिंग व्हाइल एंग्री. बिल्कुल सही. ओ तभी मैं कहूं काफी देर से मेरे क्लासेस में कोई लोग चैट में कुछ लिख क्यों नहीं रहे हैं. मेरे को लग रहा है कि बच्चे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं. मेरे को अब पता चला कि ओके दे आर एंग्री कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम नहीं बात करते आपसे, राइट. सो दैट इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. ये सब्जेक्टिव का मतलब आपको पता है थियोरेटिकल. नॉर्मल डेफिनेशन इट इज बॉडी एंड माइंड मूवमेंट्स रिएक्शन टू एन इवेंट. सब्जेक्टिव का मतलब है कि इमोशंस अलग अलग बंदा अलग अलग दिखाता है, आप इसे स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते हैं. सो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. और हो सकता है एक ना मल्टीपल इमोशंस दिखाए अलग अलग सिनेरियो में. कभी कभी गुस्सा आता है तो खुद, कभी आप चुपचाप बेड के ऊपर लेट के सो रहे होते हो, रो रहे होते हो, कभी कभी चीख रहे होते हो. हाँ इट कैन बी इनवॉलेंटरी ऑल्सो. इट कैन बी सी इट डिपेंड्स. बहुत ही मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. इट्स अ साइकोलॉजिकल एंड स्प्लिट सेकंड रिस्पॉन्स. सो इट इज बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इज हाईली सब्जेक्टिव. सी हम इसे लाइक साइंस के प्रिंसिपल्स में नहीं डाल सकते, हर बंदे का अलग अलग होता है. सी फॉर एग्जाम्पल people display different behaviors when angry. एक ही बंदा भी अलग अलग कर सकता है या अलग अलग लोग तो करते हैं अलग अलग. तो basically अगर simple भाषा में आपसे कोई पूछे what is emotion, emotion is a psychological response to an event or a reaction to an event or person or object that involves body and mind movements. Can be voluntary, can be involuntary. राइट, वो वैसे होती है ना, अलग अलग हो सकता है. क्या ये बेसिकली क्लियर है, बेसिक डेफिनेशन क्लियर है?
इन तीनों की. नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू हैव. इंटेलिजेंस इज हाउ वेल यू यूज दैट इंफॉर्मेशन. इमोशंस आर अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सिनेरियो. सी, कोई लोग आप देखे जब पेपर होता है कुछ लोग बहुत घबराए हुए होते हैं, कुछ लोग मजे में जा रहे होते हैं कि अरे पेपर ही तो है, देख लेंगे. ये बात और है, बाद में उनकी सप्ली आती है, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग द पेपर्स ऑल्सो, राइट? तो आप देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग इमोशन करते हैं. कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं पेपर में, कांप रहा होता है उनका हाथ लिखते टाइम. सी, ज्यादातर ये तब होता है जब आपका पहली बार बोर्ड एग्जाम होता है, क्योंकि इतना बड़ा वो क्रेज किया होता है कि बोर्ड एग्जाम है. घबरा घबरा के पहुंचते हो आप पहली, फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स में ऐसा होगा आपके साथ. मेंस में नहीं होता, क्योंकि मेंस में आपको पता है इतना पढ़ लिया क्या ही और हो जाएगा. लेकिन प्रीलिम्स में बहुत होता है, इंटरव्यू में बहुत होता है. इंटरव्यू में कांप रहे होते हो आप लिटरली, कभी कभी तो नाम भी फंबल करके निकल जाता है मुंह से, लेकिन कोई बात नहीं. अच्छा, इसी के नीचे थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, डेफिनेशन देख रहे हैं. यू सी, पीपल डिस्प्ले, अलग अलग इमोशंस होती हैं, लेकिन हम साइकोलॉजी में 6 बेसिक इमोशंस मानते हैं. सी, बहुत सारी इमोशंस हैं, आप हर बार अलग अलग इमोशन और मल्टीपल इमोशंस दिखाते हैं, बट साइकोलॉजी के अंदर हम 6 बेसिक इमोशंस मानते हैं, लाइक 3 × 2, 6 बेसिक इमोशंस मानते हैं. सो पीपल डिस्प्ले मिक्स्ड इमोशंस. जैसे मैंने आपको बताया ना, एकदम से मेरा ब्रदर आ जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाए जिसे देख के मैं खुश हूं, तो मैं सरप्राइज भी हूंगा, हैप्पी भी हूंगा, बहुत सारी चीजें हैं. पीपल डिस्प्ले मिक्स्ड इमोशंस, बट जर्नली देयर आर 6 बेसिक इमोशंस. इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि 6 बेसिक हैं, 6 बेसिक इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल पहली इमोशन हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, राइट? हैप्पीनेस, हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस? व्हाट इज द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस? कैसे डिफाइन करेंगे हैप्पीनेस? हैप्पीनेस कैसे डिफाइन करेंगे? जी, फीलिंग ऑफ जॉय और सैटिस्फैक्शन. गुड, जॉय और सैटिस्फैक्शन, कुछ किया है, कंटेंटमेंट. वेरी गुड. तो हैप्पीनेस होता है जब आप किसी, राइट, कोई चीज आपने टारगेट की हो, आपको वो मिल जाए, या आप सैटिस्फाइड हो किसी चीज से, खाना बहुत अच्छे से खा लिया, क्लास बहुत अच्छे से लग गई, मैंने पढ़ा बहुत अच्छे से दिया, आपने पढ़ बहुत अच्छे से लिया, नोट्स बहुत अच्छे से बन गए, पेपर निकल गया, रिजल्ट आ गया. तो हैप्पीनेस, इट इज अ फीलिंग ऑफ जॉय. अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे पास्ट ईयर. हाँ, ग्रेटिफिकेशन भी हो सकता है. इट इज अ फीलिंग ऑफ जॉय, कंटेंटमेंट, किसी चीज से कंटेंट हो, कंटेंटमेंट, सैटिस्फैक्शन. जॉय, कंटेंटमेंट, सैटिस्फैक्शन और वेलबींग ऑल्सो, लाइक यू आर. तो आप देखिए, हैप्पीनेस बेसिकली इन्वॉल्व्स एक्शन टूवर्ड्स हैप्पीनेस. दो तरीके से हो सकती है, इन्वॉल्व एक्शन टूवर्ड्स. सी, लेट्स से इंडिविजुअल, अपने लिए आप कुछ करो तो आपको हैप्पीनेस मिलती है, राइट? अपने लिए क्या करो तो आपको हैप्पीनेस मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेटीरियलिस्टिक वेलबींग. सी, आपको मर्क चाहिए, और जिस दिन आप मर्क खरीद लें आपको अच्छा लगता है. आपको बेस्ट जॉब चाहिए, बेस्ट जॉब मिल जाए. आपको बेस्ट घर चाहिए, बेस्ट घर मिल जाए. तो आपने कुछ अपने मटेरियलिस्टिक गोल सेट करे हुए हैं. बहुत पैसा चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए. अगर आप वो कंप्लीट कर लो तो आपको हैप्पीनेस मिलती है कि यस, दिस आर माई मटेरियलिस्टिक गोल्स एंड आई हैव डन इट. पावर, एग्जैक्टली, वो भी चीज हो सकती है. दूसरा हो सकता है, आपने और कोई गोल रखे हो, अचीव्ड सेट गोल्स आपने लाइफ में, कोई गोल्स. सी, फॉर एग्जांपल, आपने गोल्स क्या रखे कि आज मैं, हाँ एग्जैक्टली, आपने क्या बोला कि आज मैं एक घंटा रनिंग करूंगा, और आपने एक घंटा रनिंग कर ली, यू आर हैप्पी. कई बार होता है ना, आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करो,
अच्छा लग सी कई कई बार आप देखो, आपने लेट से बुक खोली कोई और आपने कहा कि आज मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का चैप्टर बुक से पढ़ दूंगा, और आप वो पूरा कंप्लीट कर दो उसी दिन, जो आपने टारगेट रखा आपने अचीव कर लिया, खुशी मिलती है। आर यू गेटिंग दिस? आपको हैप्पीनेस जरूर मिलती है अपने सेट गोल्स। अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, आज क्रिकेट खेलने जा रहा हूं तो आज क्रिकेट में हाफ सेंचुरी मारूंगा, मार दिया आपने, आपको अच्छा लगता है, अचीव सेट गोल्स, राइट? तो या तो मटेरियलिस्टिक वेलबींग हो, आपने कोई गोल सेट करे हो। सी कुछ लोगों को ना एक और हैप्पीनेस मिलती है, दैट इज फॉलोइंग मॉरल वैल्यूज, फॉलोइंग। सी कुछ लोगों को ये भी हैप्पीनेस लिखती है। सी फॉर एग्जांपल, जस्ट पे अटेंशन, जस्ट टेल मी, लेट्स आप ड्रिंक नहीं करते, लेट्स आप ड्रिंक नहीं करते, और आप एक बहुत हाई प्रोफाइल पार्टी में जाते हो जहां पे सारे बड़े बड़े लोग हैं और सारे लोग ड्रिंक कर रहे हैं, तो एक तो वो प्रेशर है वहां पे पीने का, और आपको एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी से बात करनी है जो कि ड्रिंक कर रहे हैं, और आप उनके साथ ड्रिंक करोगे तो चांसेस हैं, ज्यादातर सिगरेट पीते टाइम भी ये होता है, और वो भी लाइक मुझे पता नहीं है लेकिन सुना था कहीं, राइट? तो लेट्स से आपको भी ड्रिंक करना पड़ेगा उनके साथ, लेकिन आप करते नहीं हो, आप कहते हो कि नहीं नहीं मेरा प्रिंसिपल है, मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, चाहे वो सिर्फ आपको दिखावा करना है, आपको एक दिन के लिए 2 घंटे बस एक बैठ के 2-4 पैग पीने हैं, आपको लाइफ में कभी आप दोबारा नहीं पियोगे, पर वहां पे अगर आप पी लेते हो उस इंसान के साथ बैठ के तो आपका काम हो जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन आप तब भी नहीं पीते, आप क्या बोलते हो, नो आई वॉन्ट डू इट, इट गिव्स यू हैप्पीनेस। हर इंसान के कोई मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ये याद रखिएगा आप, हर इंसान के होते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल आप और कैसे कर सकते हो मॉरल प्रिंसिपल्स, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा था अभी मेरे मन के अंदर, हाँ, करप्शन। लेट्स से आपका मॉरल प्रिंसिपल है कि मैं जब IAS में सिलेक्ट होऊंगा आई विल नॉट टेक इवन अ सिंगल रुपी ऑफ ब्राइब, है ना, और लेट्स से सारे ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे रहे हैं और एक मिनिस्टर भी आपको कह रहे हैं कि पैसे नहीं लिए तो ट्रांसफर कर देंगे, पनिशमेंट हो जाएगी, ये हो जाए, और आप फिर भी बिना क्या कहते हैं करप्शन किए अपना काम करते रहते हैं, ट्रांसफर से आपको कोई परवाह नहीं है। इन द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी, आपको लोग बोलेंगे कि अरे यार तू तो ट्रांसफर होता रहता है, अच्छी पोस्टिंग नहीं है, लेकिन आप देखो कितने अच्छे से बोल सकते हो कि मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया, यू फील प्राउड एंड हैप्पी इन इट कि मेरे कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स थे, मैंने वो फॉलो करे। तो हैप्पीनेस आप अपनी एक इंडिविजुअलिस्टिक हैप्पीनेस भी कर सकता है, और इंडिविजुअलिस्टिक हैप्पीनेस कैसे होती है, व्हेन यू अचीव द मटेरियल सेट गोल्स दैट यू हैव सेट, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, अपने लिए मैक्सिमम पैसा लेना, बहुत सारी चीजें, है ना। कुछ होता है आपने और कोई भी किसी भी डायरेक्शन में गोल सेट करे हो वो पूरे हो जाए, है ना, कि मेरे को 2 घंटे में कहीं पहुंचना है, पहुंच गए। सी कई कई बार आपने देखा है ना, बहुत लोग खुश हो रहे होते हैं कि अरे मैं तो चंडीगढ़ से दिल्ली 3 घंटे में ही पहुंच गया, वैसे मेरे को 5 घंटे लगते हैं, दे आर हैप्पी इन दैट कि ओके आई डिसाइडेड टू कम फास्ट एंड बी केम फास्ट, राइट? तो आप देखिए इंडिविजुअल, लेकिन कई कई बार हैप्पीनेस आपको दूसरों के प्रति कुछ करके भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सो आप देखिए इट इन्वॉल्व एक्शन टूवर्ड्स अदर्स ऑल्सो। सी कैसे दूसरों के प्रति हैप्पीनेस कैसे मिलती है आपको, दूसरों के प्रति हैप्पीनेस कैसे मिलती है, डूइंग सम कैसे जेनरॉसिटी, एग्जैक्टली। सी आप एग्जैक्टली चैरिटी करते हैं आप, सी आप गुरुद्वारे में जाएं, आप कहीं भी जाएं, लंगर हो रहा होता है, आप लोगों को मुफ्त में खाना बांटते हैं, खाना बांटना इज अ रॉन्ग वर्ड, खिलाते हैं प्यार से, है ना, तो आप देखिए कितना अच्छा लगता है आपको, कितना अच्छा लगता है कि मैंने किसी के लिए, सिर्फ मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा होता है, आपने कभी कभी उसे पैसे दे दिए, आपको अच्छा लगता है। ऐसा तो है नहीं वो रिचेस्ट इंसान बन जाएगा वर्ल्ड का उस आपके ढेर सारे 2 रुपए से, लेकिन आपको अच्छा लगता है, पैसों की तो बात ही नहीं है कितने दिए कितने नहीं, एग्जैक्टली। एनिमल्स को फीड करके कई कई बार अच्छा लगता है कि हाय बेचारा सड़क पे भूखा बैठा था, ये पैसे ले लो, अच्छा लगता है। अच्छा कई कई बार एक पौधा लगाने में अच्छा लगता है, पेड़ लगाने में अच्छा लगता है, लोग करते हैं ना प्लांटिंग ट्रीज, से बिल्कुल किया करो। सर पेरेंट्स बीइंग हैप्पी व्हेन देयर चाइल्ड अचीव समथिंग, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दूसरों की सक्सेस, और देखिए
याद रखिएगा, दूसरों की सक्सेस देख के सिर्फ आपके पेरेंट्स खुश हो सकते हैं, आपकी सक्सेस देख के सिर्फ आपके पेरेंट्स खुश हो सकते हैं, और कोई भी नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। या आपके टीचर्स हो सकते हैं। सी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मेरे को छोड़ दो, स्कूल टीचर्स पे चले जाओ, क्योंकि उन्होंने आपको जब पढ़ाया है, जब उन्होंने आपको पढ़ाया, उन्हें अच्छा लगता है। सी, कभी आप अपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की टीचर से मिलिएगा, आप वापस जाएंगे ना, उन्हें नहीं लेना देना आपका कितना पैकेज है कितना नहीं, आप उन्हें स्माइल करके मिलोगे ना, मैम आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू फॉर व्हाट यू डिड, भाई वो उनका दिन बन जाएगा, उनका दिन बन जाता है। सी, हैव यू सीन दैट मूवी दो दुनी चार? ब्रिलियंट मूवी, ब्रिलियंट मूवी, लाइक यू शुड सी इट, यू शुड सी इट। सर, जिसकी इन्वॉल्वमेंट या मेहनत होगी वो सब होंगे। नहीं देखिए, हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है 1% इवन दैट टीचर माइट नॉट बी हैप्पी, हो सकता है 1% इवन दैट टीचर इज नॉट हैप्पी, है ना। लेकिन आप देखिए, लेकिन आप देखिए, पेरेंट्स हमेशा खुश होंगे। हो सकता है, मैं आपको देखो फिर बता रहा हूं, आपके कोई रिश्तेदार भी इतना खुश नहीं होगा, हो सकता है आपका टीचर भी एक मिनट के लिए खुश ना हो, जेलस हो। Are you getting this? See, हो सकता है, see, let's say, मेरा materialistic goal है, मेरे को mark लेनी है। आपने लाइफ में बहुत अच्छा किया, चाहे आपका यूपीएससी निकला, जो भी आपने किया, आपने mark ले ली, तो मेरे को ऐसा हो सकता है, मैं देखो बहुत खुश तो हूंगा, टीचर हूं ऑब्वियसली, अगर मैंने आपको कभी भी एक दिन भी पढ़ाया है, सेमिनार भी लिया, मैं खुश हूंगा। लेकिन आप देखिए, हो सकता है 1% मैं भी जेलस हूं, यार मैं क्यों नहीं ले पाया। लेकिन ये फैक्ट है, 100% आपके पेरेंट्स हमेशा खुश होंगे। योर फादर माइट बी अर्निंग अ सर्टेन पैकेज, यू विल बी अर्निंग 3 times दैट पैकेज, और उन्हीं के डिपार्टमेंट में हायर पोजीशन पे आप जाओगे। सी माय स्टूडेंट, आई वोंट नेम राइट बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो, बट द फैक्ट इज कि लेट्स से देयर इज माय स्टूडेंट ऑल्सो, वो अपने ही फादर के डिपार्टमेंट के अंदर एज अ कमिश्नर गए। His father is so proud. I talk to him. So proud. कोई और होता ना, अगर मैं आपका बहुत घनिष्ठ मित्र होता और आप मेरे डिपार्टमेंट में मेरे हेड बन के आते, मैं जेलस हो सकता था कि ये कैसे हो गया, स्कूल में तो पढ़ता नहीं था, पता नहीं पैसे खिलाए होंगे, सिफारिश दी होगी। See, only your parents are happy, but sometimes you are happy गरीब लोगों को भी देख के। So, doing some kind of service, doing some kind of service towards others. For example, teaching. So let's say NGO में जाके पढ़ा दो, आप NGO में जाके पढ़ा दो, बहुत अच्छा लगेगा, पैसे पूसे तो नहीं मिलेंगे देखो, लेकिन अच्छा लगेगा। Helping poor, गरीब लोगों की मदद करो, उसे स्कूल में डलवा दो, कुछ और कर दो। प्लांटिंग ट्री, ट्री प्लांट किया आपने, अच्छा लगेगा। सी, इसके अलावा ना एक और चीज है, अच्छा, कम्युनिटी किचन, लंगर, लंगर सेवा। अच्छा, एक और चीज होती है जो कि थोड़ा सा वो हो गया, स्पिरिचुअल वेलबींग करके भी एक चीज होती है, स्पिरिचुअल वेलबींग, है ना, ये भी चीज होती है। लाइक ये धर्म धर्म मेडिटेट करके आपको मिल जाता है, और कुछ लोगों को भजन करने में अच्छा लगता है, तो वो सर्विस नहीं कर रहे किसी और के लिए, सिर्फ भजन गा रहे हैं तो अपने लिए गा रहे हैं, अपना कोई गोल भी नहीं है उनका भजन गाने का, लेकिन उन्हें स्पिरिचुअली बहुत अच्छा लगता है ये वाली चीज। ये इंडिविजुअल में भी हो सकती है और अदर्स के साथ भी हो सकती है, स्पिरिचुअल वेलबींग, है ना। तो एक इंडिविजुअल लाइक हैप्पीनेस कैन बी डिफाइंड एज अ फीलिंग ऑफ जॉय, कंटेंटमेंट, सैटिस्फेक्शन एंड वेल बीइंग, जब आप अपने कोई गोल्स अचीव करो। पर आज के टाइम पे, आज के मॉडर्न टाइम्स पे ना, हैप्पीनेस सिर्फ एक डायमेंशन में बन के रह गया, और वो है ये मटीरियलिस्टिक, जिसकी वजह से शोषण हो रहा है सोसाइटी के अंदर। हर बंदा अपने लिए, ये कैपिटलिज्म की देन है देखो पूरे वर्ल्ड को, हर बंदा अपने लिए बेस्ट चाहता है, तो वो दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। खासकर ये सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ने जेलेसी लेवल नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं।
सी पहले आपको कभी दोस्त मिलता था लेट्स से 5 साल बाद 10 साल बाद कॉलेज का, तो आप उसे देख के खुश होते थे, बातचीत करते थे, इतना टाइम ही नहीं था पता करने का वो क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन आज क्या है, हर 2 मिनट में वो कभी ऑडी के साथ, कभी मर्क के साथ, कभी पेरिस, कभी लंदन फोटो खींच के भेजता रहता है, और फिर आपको और बुरा लगता है कि यार हम क्यों नहीं कर रहे ये सब। सो सोशल मीडिया हैज प्रोमोटेड दैट फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन इन अ नेगेटिव वे, द जेलेसी थिंग इन अ नेगेटिव वे, एंड पीपल डेफिनेटली वॉन्ट दिस। सी आजकल तो ये जो सर्विस टूवर्ड्स अदर है ना, इसके लिए भी हम चाहते हैं फोटो खींच ले कोई हमारी, ताकि सोशल मीडिया पे लाइक्स तो आ जाए। सी आर गेटिंग दिस? बंदा अगर ट्री प्लांट कर रहा है तो 3 जगह से फोटो करवा लेता है कि कम से कम सोशल मीडिया पे आ जाए। तो दिखावा कुछ ज्यादा चल रहा है, दिखावा कुछ ज्यादा चल रहा है बिकॉज ऑफ इन द डिजिटल एज, बट मटीरियलिस्टिक वेलबींग इज नॉट गोइंग वेल एग्जैक्टली, डूइंग सर्विस फॉर शो ऑफ। सी कोई बंदा एनजीओ में जाता है, पहले पता नहीं होता था कि लोगों को मुफ्त में पढ़ाता है करता है, आजकल तो ढिंडोरा पीट के जाते हैं, मैं एनजीओ पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं एनजीओ पढ़ाने जा रहा हूँ। भाई तू पढ़ाया ना इतनी देर में, आर यू गेटिंग दिस? पढ़ाया इतनी देर में, अच्छा लगेगा आपको, खुद बहुत अच्छा लगेगा, आर यू गेटिंग दिस? तो हैप्पीनेस इज गोइंग टू द मटेरियलिस्टिक वेलबींग, इकोनॉमिक हैप्पीनेस वाला कंसेप्ट ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से एक बंदा अपने प्रॉफिट के लिए एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, दूसरे को हार्म कर रहा है, तीसरे को हार्म कर रहा है। लेकिन हैप्पीनेस इज नॉट ओनली इकोनॉमिक इन नेचर, इट इज स्पिरिचुअल, इट इज सोशल, टॉकिंग वेल टू अदर, फॉलोइंग मॉरल वैल्यूज, वर्किंग फॉर अदर्स ऑल्सो, है ना, वो वाली चीज भी है। सी आपके अकॉर्डिंग ज्यादा हैप्पीनेस, सी हर चीज से ही हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन मेक श्योर यू हैव अ बैलेंस ऑफ ऑल इन योर लाइफ, यू हैव अ बैलेंस ऑफ ऑल। And see, one more thing that you know you should know for happiness, ki khali economic happiness hi concept nahi hai, you should have other dimensions to happiness also, right? To write down one, iske andar ek question likh lijiye, purana question hai 2014 ka, ha ek question likhte hain, wo discuss kar lete hain, write down, all people aspire for happiness. All people aspire for happiness. All people aspire for happiness. Do you agree? All people aspire for happiness. Do you agree? What is happiness according to you? तो आपको अपना version भी देना है. What is happiness according to you? तो give a balanced answer. कि यस अचीविंग सेट गोल्स एंड ऑल आर ऑल दैट स्टफ। देखिए मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी के अंदर ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, टेंशन में घूमते हैं। अरे मैंने आपके लिए एक फोटो ली थी मोटिवेशन वाली, मेरे को ना वो सोशल मीडिया पे मिली थी, आई जस्ट वॉन्ट टू शो इट, शेयर इट विद यू। आई थिंक आई हैव इट, या एक सेकेंड बस, बहुत अच्छा लगेगा शायद आपको। पता नहीं किसने डाली पर कंसेप्ट जैसे भी है, ये देखो, यू गेटिंग दिस? सो दिस इज समथिंग। तो बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं कि यू नो सर हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम खुश नहीं रहते, टेंशन में रहते हैं। कोई बात नहीं, दैट्स द लाइफ। आपको यूपीएससी के अंदर अगर हैप्पीनेस चाहिए, लेट मी टेल यू दिस, अगर आपको यूपीएससी के अंदर हैप्पीनेस चाहिए, सी आई एम गिविंग क्रेडिट टू जिसने भी ये फोटो डाली है, मेरी मैंने नहीं बनाई है फोटो, कहीं बाद में मेरे को कोई कुछ बोले। सी दूसरी चीज, सी यूपीएससी में अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए ना, तो प्लीज मेक श्योर आप अपने लिए जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन हमने देखी है वो करें। हैप्पीनेस क्या है? अचीविंग सेट गोल्स। आप अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं कि आज मेरे को एटमॉस्फेयर कंप्लीट करना है, वो पढ़ लोगे। सी एकदम से पूरी बुक पढ़ने का गोल बनाओगे तो आप हैप्पीनेस नहीं रहोगे। फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है? आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हो तो आप टेंशन में हो, तो 4 दिन वेस्ट कर देते हो। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। अचीविंग सेट गोल्स इज ऑल्सो हैप्पीनेस, है ना? अचीविंग सेट गोल्स इज हैप्पीनेस। तो मेरे को आज 5 पेज पढ़ने हैं, मेरे को आज एटमॉस्फेयर करना है, कीप ऑन गोइंग आगे, खुद खुश हो गए। टेस्ट सीरीज का अपना हैप्पीनेस वाला गोल रखो, मेरे को 110 लाना है। अरे अमर जी आ गए हैं वापस। सर आई एम नॉट हैप्पी एज आई एम नॉट एबल टू गोइंग टू ज्वाइन क्लासेस। अरे आपके भाई की शादी भी तो है, तो आप देखिए खुश, कोई बात नहीं, क्या
ऑनलाइन क्लासेस का बेस्ट पार्ट क्या है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। आप टेंशन में हो ना, अभी मैं आपको दूसरी इमोशन बता रहा हूं, अभी मैं आपको दूसरी इमोशन बताता हूं, मैं आपको अभी दूसरी इमोशन बताता हूं, फैन हो जाओगे आप। टेंशन इज गुड फॉर सर्वाइवल, फियर इज गुड फॉर सर्वाइवल, जो आपके बातों में दिख रहा है। तो आप देखिए अपने टेस्ट सीरीज के स्कोर को, अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बनाइए कि मेरे को, अच्छा पिछली बार मेरे 70 मार्क्स आए थे, अब की बार 80 आए हैं, गुड, आई एम इम्प्रूविंग। सो यूपीएससी के अंदर ना अपना ये दूसरे वाला कंटेंट रखो, जो मैंने फोटो दिखाई है वो गलत नहीं है, आई लाइक दैट फोटो, दैट इज ट्रू। अभी तक हम इमोशनल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, तो मैंने अभी इमोशंस के बारे में बताया, इमोशंस क्या होती हैं, और हम देख रहे हैं 6 टाइप्स ऑफ इमोशंस, पहले ही कंसेप्ट पे चल रहा है, ठीक है। अभी हमने हैप्पीनेस वाली देखी, हो जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट, 10 मार्क्स का है, सिंपल दो साइड पे लिखना है, हैप्पीनेस की डेफिनेशन देना, उसके बाद एग्जाम्पल्स के साथ ये टेबल अच्छे से समझाना, और फिर अपना व्यू देना आपके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या है। कोशिश करिएगा पब्लिक सर्विस वाली हैप्पीनेस बताएं आप, ये मत बोलना कि अचीविंग मटेरियलिस्टिक वेलबींग एंड ऑल, बस इतना लिखना इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, एंड देन यू से वर्किंग फॉर द मेकिंग यू नो चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल, हेल्पिंग द पुअर, प्रोवाइडिंग देम बेटर एजुकेशन एंड ऑल दैट स्टफ, तो लगेगा कि एक सिविल सर्वेंट आंसर दे रहा है ना। कहीं लिखो मर्क चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ी बंगले चाहिए, वो बोलेंगे फिर प्राइवेट में जाना, राइट right? तो थोड़ा सा वो भी। दूसरी इमोशन पे आ जाओ, दूसरी इमोशन पे आ जाओ, दूसरी फेमस इमोशन है एंगर। पहला था हैप्पीनेस, दूसरा है गुस्सा आना, एंगर। सर आजकल मटेरियलिस्टिक से ही मिलती है सच में? नहीं, अभी आप पढ़ रहे हो, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसका लिमिटेड टाइम है, तैयारी करने का लिमिटेड स्कोप है। I have seen so many deserving candidates leaving the preparation just because initial attempt seriously nahi diye, baad mein time hi nahi mila, ghar se pressure aa gaya, wo jaise photo dikhai thi na, dad's retirement, relatives, no love in life, wo wali cheez। To aaj paisa kama rahe hain lekin thoda sa ek regret life mein reh jata hai, paisa to kama hi lenge par pehle paper nikalne mein apna best kaam de dete hain। लाइक अगर आप आज मेरे को आके ये बोलो ना कि सर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, लेट्स से अगर मेरा एम है मर्क खरीदना, तो आप मेरे को आके बोलो कि सर मर्क और अनदर अटेम्प्ट टू क्रैक सिविल सर्विसेज, ऑब्वियसली द लैटर, आर यू गेटिंग दिस? तो अभी आप पहले सिर्फ पेपर निकालने पे सोचो, वेलफेयर वाली चीज पे सोचो, मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए दुनिया है, लेकिन पैसे का मोह बहुत खतरनाक है, आप ये याद रखिएगा। आज आपको यही लगता होगा कि पापा से पैसे क्यों मांग रहे हैं, पैसे होने चाहिए, पेरेंट्स से पैसे क्यों मांग रहे हैं, मांग लो, वो बहुत प्राउड होंगे जब पेपर निकलेगा, आपका एम है, चलते रहो आगे। एंगर की बात करते हैं, राइट। एंगर क्या होता है, जस्ट टेल मी। सर मैं आपका नाम क्या बोला, सर मैं आपका नाम लेके मांगूंगा, मेरा नाम लेके, वाह बेटा वाह, बहुत सही है, इसी बात पे मेरे को एंगर आ रहा है, राइट। ओके, व्हाट इज एंगर? एंटागनिज्म टुवर्ड्स समवन, ब्रिलियंट। किसी के प्रति हॉस्टिलिटी की फीलिंग रखना, किसी के प्रति हेट्रेड की फीलिंग रखना, किसी के प्रति बुरी फीलिंग रखना, इज इट गुड फॉर लाइफ? सर किसी को सच बताना, नो, सच बताना कहां से एंगर हुआ? सी यू टेल मी, इज इट गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल? अगर मैं एंग्री हो रहा हूं, इट इज नॉट गुड। यू नो व्हाई? एंगर स्टॉप्स लॉजिकल थिंकिंग। एंगर, एग्जैक्टली, एंगर प्रिवेंट्स लॉजिकल थिंकिंग। आप इरेशनल बिहेव करते हो। सी जब आप गुस्से में होते हो ना, एग्जैक्टली, सी कई बार आप गुस्से में पता क्या बोलते हो, सी एक बार मैं भी बहुत गुस्से में था, सी गुस्से में मैं कैसे था, लाइक मैं आपको कैसे बताऊं, माय ब्रदर वो सिर्फ 10 दिन के लिए आया था, और मेरे ना बैचेस चल रहे थे, तो मेरे बैचेस चल रहे थे और पेपर आ रहा था, तो मैं छुट्टी नहीं करना चाहता था, तो उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाना था, तो आई वॉज वेरी सैड एंड एंगर, आई वॉज वेरी एंग्री, आई डिडंट वॉन्ट टू गो टू टीच, कि वो उस दिन जा रहा था, मैं चाहता था मैं उसे छोड़ने जाऊं।
अच्छा पहले तो मैं बड़ी बड़ी बातें करके निकल आया, रास्ते में जैसे ही मैं पहुंचा पढ़ाने के लिए, आई वॉज वेरी एंग्री कि क्या यार एक दिन की छुट्टी तो ले ही सकता था, मैं खुद पे एंग्री था मैं कि एक दिन की छुट्टी ले सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था। और आप जानते हैं उस दिन मैंने पता क्या सोचा कि मैं जॉब ही छोड़ दूंगा यार, मैं जॉब ही छोड़ दूंगा, छोड़ो भाड़ में जाओ। तो आप देखिए, जॉब छोड़ना और मेरे ब्रदर को एयरपोर्ट छोड़ना का एज सच कोई लिंक नहीं है, इतना बड़ा वो रीजन नहीं था आज अगर मैं सोचूं कि मैं जॉब छोड़ दूं। लेकिन उस टाइम पे एंग्री डिसीजन मेकिंग कैन मेक यू डू इरेशनल थिंग, लाइक आई शुड नॉट से इट, बट हैव यू सीन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ विवेक ओबेरॉय? ही वॉज एंग्री एट अ सर्टेन पर्सन एंड ही टुक टू प्रेस आई थिंक, और उसने प्रेस में सब कुछ बोल दिया, एंड रेस्ट यू नो वट इज दैट। That is not the right way to do. Personal life, celebrities की भी personal life होती है। Personal life को ऐसे open कर देना, इतना बुरा भला किसी के बारे में बोलना, वो गलत है। See, आप आजकल opposition या ruling party की तरफ से देखते हो, नहीं देखो वो उसने public field पे किया था, हरभजन सिंह ने जो slap किया था, लेकिन आप देखिए आज आप देखते हो मोदी जी की personal life पे कोई लोग कटाक्ष करते हैं, कटाक्ष मतलब क्रिटिसाइज करते हैं या उसको उठा के आपको बोलते हैं कि बीजेपी को वोट ना करो। क्यों भाई, व्हाई? लाइक पर्सनल लाइफ है उनकी, जो मर्जी करें भाई। मोदी जी ड्रिंक करते हैं या नहीं करते हैं, मेरे को इससे क्या लेना देना? नॉनवेज खाते हैं, वेज खाते हैं, नेहरू नॉनवेज खाता था, वेज खाते थे, मेरे को उससे क्या लेना देना? मेरे को ये बताओ देश की पॉलिसी मेकिंग में उनके खाना खाने से क्या लिंक है? But people go at certain level and then that makes you angry, that gets an angry reaction. Let's not go there. Anger makes you mar. See, hate speeches are India mein bahut badh rahi hai. Dharam ke naam. See, Bengal ke andar to kamaal hi ho raha hai, aap dekhiye. Bengal elections mein ruling party, opposition party, common man, everybody is suffering. किसी भी कभी ruling party के MP, MLA को जाके कोई पीट जान से मार आता है, कभी कहीं और कोई मार आता है, और इतनी हेट स्पीचेस हो रही हैं, और वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग हटाएगा। सी फॉर एग्जांपल, दिल्ली के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे थे तो मुगल राज आ जाएगा, धर्म खतरे में है, ये खतरे में है, तो आपको गुस्सा दिलाता है दूसरे कास्ट या रिलीजन या किसी और के प्रति, और फिर आप लॉजिकली नहीं सोचते, और आप फिर ये नहीं सोचते आप कि इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, एजुकेशन, हेल्थ से क्या लेना देना है? लाइक पॉलिटिक्स का रिलीजन से क्या लेना देना है? आप सोचना बंद कर देते हो जब आपको गुस्सा दिला देते हैं। इसीलिए हेट स्पीच आजकल बहुत बढ़ रही है कि आप हमसे ये मत पूछो कि रोड बनाई के नहीं, स्कूल बनवाया के नहीं, फीस इतनी क्यों बढ़ा दी। आप बस ये आपस में लड़ाई, एंग्री रहो, आप गुस्से में रहो। सी सर्टेन चैनल्स तो चीख चीख के ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो गुस्सा दिला रहे हैं कि गुस्सा दिलाएंगे तो हम पर्सनल कटाक्ष करते रहेंगे, कोई लॉजिकली ना पूछे। सो एंगर इज नॉट अ गुड फीलिंग। So anger, it is not good for democracy also. And it is a feeling. See, जैसे happiness पे question आया तो anger पे भी आ सकता है. It is a feeling of agitation. It is a feeling of agitation. See, for example, I have seen so many comments about certain activists who are getting arrested for saying wrong thing and all. See, बच्चे हैं यार, 21-22 साल के, गलती कर दी, सजा बिल्कुल दो। हालांकि आई डोंट थिंक सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, सजा दो पर सेडिशन नहीं, लेकिन ये चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप नीचे ऐसे लिख रहे हो, इसे प्रेग्नेंट कर दो, इसका रेप कर दो, इसको जान से मार के, इसको दिसंबर 16 रेप विक्टिम से बुरा हाल इसका कर दो। सी व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज दैट? आपको गुस्सा है किसी बंदे पे और आपको लगता है उसने देशद्रोह वाला कुछ काम किया। 21 साल 22 साल की लड़की है बेचारी, अगर कह दिया सजा दे दो, लेकिन ये चीजें क्या बोल रहे हो आप? आपने खुद को सुना है क्या बोल रहे हो आप? दैट इज नॉट लॉजिकली एंड दैट इज कमिंग बिकॉज यू आर एंग्री। रियालिटी में वो बंदा ऐसा नहीं सोचता होगा, लेकिन एंगर में आप ऐसी चीजें लिख देते हो। इट इज अ फीलिंग ऑफ एजिटेशन, हॉस्टिलिटी, एजिटेशन, हॉस्टिलिटी, antagonism, antagonism or hatred towards, this is not a desirable feeling, dekho, or hatred towards someone. Har religion bhai chare ki feeling promote karta hai. See, it prevents logical thinking. It prevents
logical thinking. It prevents logical thinking and it might lead to, it prevents logical thinking and it might lead to, and it might lead to hasty decisions. It might lead to hasty decisions, right? Hasty wala jaldbazi mein aap kuch decision le lete ho. It prevents, yeah, it negatively impacts efficiency. Gusse mein kabhi bhi aapki efficiency best nahi aayegi. It prevents, yeah, it impacts, it negatively impacts efficiency. Negatively impacts efficiency. गुस्से में लिया हुआ decision बहुत भारी पड़ेगा. काम रहना सीखो. Basically आप चाहो तो लिख सकते हो, it is undesirable behavior. See, तभी तो इतना बड़ा business है कि आपको गुस्सा ना आए तो ये अंगूठी पहन लो, ये रुद्राक्ष पहन लो, ये कर लो. Because anger is not desirable. Third, fear. अब आते हैं इस चीज पे. तो यूपीएससी एस्पिरेंट की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एक, हैप्पी नहीं रहते हैं, तो मैंने वो बताया, छोटे छोटे गोल सेट करो. दूसरा, डर रहे हैं अब, खासकर क्योंकि पेपर आ गया. यू आर फियरफुल, यू आर स्केर्ड. फियर की फीलिंग क्या होती है? डर ना किसी चीज से, फीलिंग ऑफ बींग स्केर्ड कि कुछ बुरा होने वाला है. क्या फियर एक डिजायरेबल फीलिंग है? क्या फियर एक डिजायरेबल फीलिंग है? नो, नो, काइंड ऑफ. सी, आप समझ नहीं रहे, फियर सच में डिजायरेबल फीलिंग है. सच में डिजायरेबल फीलिंग है. सी, फियर आपको अलर्ट कर देता है. डर आपको सोने नहीं देता है. ज्यादा डर देखो बिल्कुल हार्मफुल है, ज्यादा खुशी भी हार्मफुल है, लेकिन ज्यादा डर हार्मफुल है, लेकिन थोड़ा डर होना चाहिए. सी, पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में आप सबसे ज्यादा डर के जाते हो, मैंने आपको बताया. आप जानते हैं, आप चेक कर लेना, ज्यादातर आपके टेंथ के बोर्ड में ही सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे. प्लस टू में इतने नहीं होंगे, कॉलेज में इतने नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डर शायद आपको टेंथ में ही लग रहा था. सी, फियर जो करता है ना, वो आप को टेंस कर देता है, आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा देता है, आपके माइंड को अलर्ट कर देता है. सी, लेट्स से इफ यू आर स्केर्ड, रात को आपको डर लग रहा है ना, तो आप हल्की हल्की मूवमेंट सुनने लग जाते हो कि यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ. फियर मेक्स यू अलर्ट, योर माइंड अलर्ट. तो अगर आपको पेपर का डर लग रहा है, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो. क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो डर किस बात का? फिर तो आपके लिए सब चीज बराबर ही है ना, फेल हो जाए. सी, डरता वही है जो पढ़ के जा रहा है कि जो हमने पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत बहुत करी है. वो इंसान कभी नहीं डरता जिसने मेहनत ही नहीं करी है. Are you getting this? So, थोड़ा डर ठीक है. अगर आपको डर हो रहा है वो ठीक है. खुश होने के लिए छोटे गोल्स रखो, बट फियर इज अ डिजायरेबल बिहेवियर, इट हेल्प्स इन सर्वाइवल. डरोगे नहीं तो मेहनत क्यों कब करोगे? सो फियर इज, इट इज रिएक्शन, it is reaction to, it is reaction to an impending danger, reaction to an impending danger, reaction to an impending danger. It is feeling of tenseness, it is feeling of tenseness, tense hote ho, feeling of tenseness. See, generally, body movements क्या होती हैं इसके अंदर? Generally, muscles, जो आपके body muscles हैं, generally muscles become tense and mind becomes alert. तो अच्छी भी चीज हो सकती है, mind becomes alert. ज्यादा डर खराब है, but mind becomes alert. थोड़ा सा fear होना चाहिए. It helps in survival. सी, शेर का डर नहीं होगा तो शेर के सामने आप चाचा चौधरी बन के नहीं घूमोगे. शेर से थोड़ा सा डर भी होना चाहिए. इट इज एन नो, नॉट ऑलवेज अनप्लेजेंट, नॉट ऑलवेज अनप्लेजेंट, थोड़ा डर ठीक है. फियर ऑफ लूजिंग द गेम,
fear of not cracking the exam might lead you to work certain extra for certain things. UPSC लायन है भाई, UPSC तो लायन है, तो डरो. और मैंने बोला है ना, इंटरव्यू में तो कांप रहे होते हो आप, इंटरव्यू में कांप रहे होते हो आप, लेकिन इतना भी नहीं डरना है कि सी, इसीलिए ना फियर और हैप्पीनेस को साथ में चलाओ. बी स्केर्ड बट मेक योर गोल्स स्मॉल, स्मॉल गोल्स. इसीलिए टेस्ट सीरीज और आपका जो पढ़ाई के टारगेट सेट करने की टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप पूरी पूरी बुक के टारगेट सेट करोगे, आप वो कंप्लीट तो कर नहीं पाओगे, फिर आप पूरे रात नहीं सो पाओगे, दिन नहीं सो पाओगे, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगा. तो छोटे टारगेट्स रखो. और बेस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने बोला है, आपके टेस्ट हैं. कोई भी ऑनलाइन जाओ, कोई भी एक टेस्ट उठाओ, ऑनेस्टली बैठ के दो. स्कोर अच्छा आ रहा है तो बी हैप्पी, नहीं आ रहा है तो इम्प्रूव करो. दैट्स इट. जब पढ़ने का मन नहीं है, कोई भी टेस्ट उठा लिया, इट्स लाइक दिस. फोर्थ आ जाओ, फोर्थ फीलिंग जल्दी से, सरप्राइज. सरप्राइज जैसे कई कई बार आप मेरे को सरप्राइज कर देते हो कि सर आज और पढ़ा दो, है ना, सर लिखवाओ और, सर छुट्टी नहीं चाहिए. तो वो कई कई बार बंदा सरप्राइज हो जाता है, राइट? तो आप देखिए, इट इज यू नो सरप्राइज होता है एकदम से, स्टार्टल, यू गेट स्टार्टल्ड. इट इज लाइक फिजियोलॉजिकल स्टार्टल, फिजियोलॉजिकल एग्जैक्टली अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को देख के, फिजियोलॉजिकल स्टार्टल इन रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. ये सिंपल है. फिफ्थ आ जाओ, जो इमोशन आप सबसे ज्यादा दिखाते हो, सरप्राइज टेस्ट. एग्जैक्टली. अच्छा हाँ, वो मैं बताना भूल गया, आई थिंक वी हैव मेड इट. आज ही आपका वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला सेशन होगा, शाम को 6 बजे रखा है मैंने, है ना. वो स्कोर एनहांसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री के, थोड़े क्वेश्चंस पॉलिटी के हम रिवीजन कर लेंगे. हाँ, ये आई थिंक बना दिया है. आपको पता है ना, मैंने एक भाई रखा हुआ है, अपना सगा भाई रखा हुआ है ये सेशन सेशंस बनाने के लिए, तो उसने बना दिया है, राइट? तो दिस इज लाइक दिस. सो सैडनेस की अगर हम बात करें, अच्छा देखिए, सैडनेस को कैसे डिफाइन करेंगे अगर करना हो तो. यस सर, फ्री ऑफ कॉस्ट. हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है मैंने उसे. हाँ जी बताइए. अरे ढेर सारा प्यार देता हूं मैं उसे, वो वाली चीज होगी. हाँ जी, और बताओ, सैडनेस कैसे बोलेंगे? फीलिंग ऑफ लाइक फीलिंग अनहैप्पी. इसी आप ये डेफिनेशन बता रहे हैं या अपनी इमोशन बता रहे हैं फिलहाल की? डिसकंटेंटमेंट. एग्जैक्टली, हैप्पीनेस से उल्टा. देखिए, सैडनेस की जो फीलिंग होती है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है, ग्रीफ होता है, कुछ लॉस हो गया है आपका, आप किसी चीज से सैटिस्फाइड नहीं है, राइट? कोई गोल बोला था, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है, आप सैड हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो. एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस कैन इवन लीड टू डिप्रेशन, जो कि हमारे पंजाब और हरियाणा में कोई बीमारी नहीं है, बट इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मेंटल इलनेस. According to WHO, most of the people in the world, like urban population ka around 60 to 70% logo ko depression hai, lekin unhe pata nahi hai. Kyunki ye ek aisi cheez hai jo aap chah ke bhi like ise measure nahi kar sakte. It's not like fever or any, halanki ab to fever bhi bahut khatarnak ho gaya hai, par aap ise measure nahi kar sakte. The reason being, this is something you show and logo ko lagta hai ki aise hi hai, subah uthakar नींबू पानी पिया कर, पता नहीं जो जो भी वो चीजें बोलते हैं, बट डिप्रेशन इज समथिंग. सी, इट इज फीलिंग ऑफ, राइट डाउन, फीलिंग ऑफ ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, फीलिंग ऑफ ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, डिसइंटरेस्ट, होपलेसनेस. क्या फायदा सर पढ़ के, पेपर तो निकलता नहीं है, होपलेसनेस एटसेट्रा. क्यों नहीं निकलता भाई, क्यों नहीं निकलता, होपलेसनेस एटसेट्रा. जिनका निकलता है वो क्या मंगल से थोड़ी ना आए हैं,
जब प्लूटो से थोड़ी ना है कि अब ग्रह नहीं रहा तो हमारा नहीं निकलेगा, राइट? बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, राइट? लेकिन होती है ये, बहुत फीलिंग होती है कि कितने लोग पेपर दे रहे हैं, कितने लोग ये करते हैं. आई थिंक वही मोटिवेशन होना चाहिए, है ना, कि निकल गया तो क्या होगा. से एक्चुअली मेरा मानना है, जिस बंदे का एक बार प्री निकलता है ना, एक बार प्री निकलता है, उसे दोबारा मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसे पता है उसने कितनी बड़ी चीज की है. उसे वो रिस्पेक्ट दिखने लग जाती है आसपास जितने रेस्पिरेंट है, अरे भैया आपका प्री निकला है, आपने मेंस लिखा है, हमारा तो प्री नहीं निकलता यार. तो उसको इतना मोटिवेट नहीं करना पड़ता जितना आपको करना पड़ता है. मेरे को हो जाएगा, जैसे आप देखो मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ, है ना, और हो सकता है अलग में बैठ के मैं रोता हूँ, राइट? बट द फैक्ट इज आई नो व्हाट दिस एग्जाम इज, और मुझे पता है कि मेहनत करते हो तो रिजल्ट हो जाता है. ऐसे ही बहुत और लोगों को भी पता है. देखो यूट्यूब पूरा बुरा भी नहीं है, एंटरटेनमेंट का सोर्स है, पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहां पे जो अपना लाइफ फीलिंग शेयर करते हैं. कभी मन हो तो चेक कर लो सक्सेस स्टोरी ऑफ एन आईएएस, मतलब किसी ऐसे बंदे का उठाना जो बहुत ही स्ट्रगल करके बना, जिससे आप लिंक कर पाओ कि अच्छा मैं भी ऐसा ही हूं वाली चीज है. फीलिंग ऑफ ग्रीफ इन दिस, सी इट डैम्पन्स मूड, इट डैम्पन्स मूड, मूड खराब कर देता है ये पूरा. इट डैम्पन्स मूड इन सिवियर केस, इन सिवियर केस कैन लीड टू डिप्रेशन, कैन लीड टू डिप्रेशन. ठीक है, तो सैडनेस की एक और फीलिंग है. और लास्ट है, सी हो सकता है एक 10 मार्क का 5 मार्क की आपकी डेफिनेशन पूछ लें इसकी, क्योंकि हैप्पीनेस का पूछ लिया इसीलिए. हाँ, इंपैक्ट्स हेल्थ आल्सो, या. और लास्ट एक फीलिंग है जो इसी से मिलती जुलती है, बट है, दैट इज डिस्गस्ट. डिस्गस्ट, डिस्गस्ट क्या होता है, आप कहते हो ना डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग थिंग. हाउ डू यू, डिस्गस्ट कौन सी इमोशन, बेसिक इमोशन होती है डिस्गस्ट. अब बोल देते ना डिस्गस्टिंग, अजीबो गरीब, ये क्या बात हुई, मतलब थोड़ा ढंग से बताओ. डिसलाइक, एग्जैक्टली, एक्सट्रीम डिसलाइक अबाउट समथिंग. ज्यादातर ये होता है, हाँ, मतलब आप किसी स्लम वाले एरिया में चले गए, आपने किसी बंदे को देखा, राइट, खाना आया है ऐसे, लाइक हाथ से खाना इज नॉट बैड थिंग, लेकिन वो कुछ भी नीचे गिरा के खा रहा है, नीचे गिरा के मतलब प्लेट के नीचे खाना गिर गया, उठा के फिर ढक के खा रहा है, तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, राइट? बेचारे का नाक नूक बह रहा है, फिर हाथ से ही पूछ के उसी से खा रहा है, छी, वेरी बैड फीलिंग, वेरी बैड फीलिंग. तो आप देखिए इसके अंदर, अब आप जस्टिफाई तो किसी को भी कर सकते हो, पर कभी कभी डिस्गस्टिंग चीजें होती है. सी लाइक माई मदर इज प्योर वेजिटेरियन, राइट, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मेरे घर में ऑलमोस्ट सारे वेजिटेरियन है, ऑलमोस्ट, राइट? तो आप देखिए उसके अंदर क्या है कि, पर मेरा वो वाला रेडिकल वेजिटेरियनिज्म वाली चीज नहीं है, लाइक आई कैन ईट इट इन लेट्स से पेस्ट्रीज और पैटीज और ऐसे केक कुक के अंदर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. या अगर मेरे साथ कोई खा रहा हो तो आई हैव नो प्रॉब्लम, लाइक दे कैन ईट, आई वॉन्ट ईट. बट माई मॉम इज वो शायद पुराने विचारधाराओं वाले, वैसे वो बहुत मॉडर्न बनते हैं, पुराने विचारधारा वाले. सो वी वर देयर एट अ रेस्टोरेंट, कल की बात है, आज तक मेरे से बात नहीं कर रहे हैं. तो वहां पे क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी पहली बार गया था, तो वहां पे क्या हुआ ना, वो सामने ही नॉन वेज, लाइक देयर वो क्या बनाते हैं, आई थिंक वो काटते कूटते हैं ना, जो वो वैसे कर रहे थे. सी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर रेस्टोरेंट में ही वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सेक्शन अलग होता है, लेकिन उन्होंने शीशा लगा के वो डिस्प्ले कर रहे थे. आजकल वो नया ट्रेंड चला है ना, And my mom saw that, भाई आज तक नहीं बात कर रहे हैं मुझसे. सुबह मेरे को भी कह रहे थे कि अपना खाना वहीं जाके खाया हो, मैं तो नहीं बना रही हूँ. तोमर मिठाई कब आएगी भाई, तुम्हारे तो भाई की शादी है, right? That is the thing. So you see, she has no problem with people eating non-veg, but she saw it and she felt disgusted. मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे को कह रहे हैं, कहते हैं उसके हाथ पांव थे, राइट? मैन, क्या मेरे को क्या बता रहे हो आप? सो यू सी, बिकॉज आई ऑल्सो सॉ इट. सो आप देखिए, नहीं नहीं, आई एम किडिंग. सो डिसगस्ट की बात करो, इट इज फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हर एक की अलग होती है. फीलिंग ऑफ डिसलाइक, फीलिंग ऑफ डिसलाइक, इट इज जर्नली
ड्यू टू पुअर हाइजीन, जर्नली ड्यू टू पुअर हाइजीन, अनप्लेजेंट. सी आपके लिए कुछ भी अनप्लेजेंट हो सकता है, तेज गाने भी अनप्लेजेंट हो सकते हैं. कई कई बार होता है ना, आप गाड़ी में बैठते हो तेज गाने लगाते हो, राइट, हीर तो बड़ी सैड है, आपके पापा बोलते हैं धीरे गाने चला, अनप्लेजेंट स्मेल एटसेट्रा, कोई भी फीलिंग हो सकती है. इट कैन बी मॉरल डिसगस्ट ऑल्सो, मॉरल, इट कैन बी, पूरा लिख लो, इट कैन बी मॉरल डिसगस्ट ऑल्सो, लाइक आपके कोई इमोशनल मॉरल फीलिंग्स को ना फॉलो कर रहा हो तो भी आपको बुरा लग जाता है, है ना, मॉरल फीलिंग्स को, मॉरालिटी हर एक की, जैसे माय मॉम के केस में हुआ ना, उनकी मॉरालिटी है वेजिटेरियन एंड नॉट नॉन वेजिटेरियन, तो उनको कल डिसगस्टिंग लगा, राइट. आपकी कोई मॉरल वैल्यूज अलग हो सकते हैं, लाइक आपको ये लगता है कि मंदिर के अंदर जब कोई जाए तो अच्छे से कपड़े कुपड़े पहन के जाए, एक बंदा आपने देख लिया स्पाइक्स क्विक्स करके गया है और पैर पूर भी नहीं वहां पे, लाइक अच्छे से बो डाउन भी नहीं कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है तेज तेज, सी मंदिर के अंदर फोन पे बात कर रहा है तेज तेज, गलत तो कोई नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो सही होगा, और भगवान तो हर जगह है, हो सकता है फोन पे भगवान से ही बात कर रहा हो, लेकिन आपको देख के लगता है यार क्या बदतमीज डिसगस्टिंग आदमी है, मंदिर वाली जगह पे कैसे बातें कर रहा है. हर बंदे का अलग होता है, कोई बात नहीं सर. लाइक कटिंग ट्रीज मेक अस फील डिस्गस्ट, नॉट टू एवरीबॉडी, राइट, आपको लगता है, बाकी लोगों को हो सकता है नहीं लग सकता है. आर यू गेटिंग दिस? तो मैं वही वाली चीजें कह रहा हूं कि आपके लिए एक चीज सही है, किसी और के लिए मॉरालिटी भी नोन, मॉरालिटी इज इंडिविजुअल सेंट्रिक, हर एक के लिए अलग अलग चीज है. तो आप देखिए, छह बेसिक इमोशंस हैं, हमने इमोशंस की डेफिनेशन देखी, इमोशंस की डेफिनेशन देखिए एक सेकेंड, और सी हर जगह अलग अलग होता है, बट दिस इज वन थिंग देन अगेन, है ना. तो ये बंदा आपको दिख ही रहा है, कभी खुश है, कभी उदास है, कभी एंग्री है, कभी स्केर्ड है. इन्होंने एक लव वाली फीलिंग अलग से दी है, हमें लव की जगह डिस्कस्ट की डिस्कशन की है, हर बुक्स में अलग अलग है, बाकी सब सेम रहता है, राइट. तो आप देखिए, दिस इज द कंसेप्ट, इमोशंस आर अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ लेट्स से साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव एडिशनल वेरिएबल्स. It is body and mind movements as a reaction to certain event. Sir, happy wala dikhana, ye lo happy wala dekho. Fulfilled, contentment, glad, complete, satisfied, optimistic even, and pleased. Acha, write up. Koi doubt hai? इमोशंस के अंदर, हालांकि अभी मैंने आपको बैकग्राउंड नहीं बताया इमर्जेंस वाला. सी वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट थिंग, इमोशंस. अब हम देखते हैं बैकग्राउंड कब, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आया. सी सर, पेपर में ये क्वेश्चन आया तो जैसे हाँ डायग्राम बनाइए, बिल्कुल बनाइए, स्पेस के अकॉर्डिंग है, आप डायग्राम बनाइए. देखिए अब एक और चीज है, मैंने अभी आपको बैकग्राउंड नहीं बताया, अब मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा. इसमें पबैड वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा योगदान देंगे क्योंकि इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही आएगा. सी एक और चीज है, सी ध्यान से देखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस हैज सेम थ्योरी एज वैल्यूज. इसमें जब मैं आपको ये लिखवाऊंगा ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ईआई इन गवर्नेंस, ये सेम है इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन गवर्नेंस, क्योंकि इमोशन वही दिखाएगा ना जिसके पास वैल्यूज होंगी, जिसके पास वैल्यूज होंगी, सेम ही चीज है ये. तो पहले हमें लगता था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इमोशंस होनी नहीं चाहिए, वैल्यू न्यूट्रलिटी होना चाहिए. अभी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, पबैड वाले थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे और उसके बाद हम ये बैकग्राउंड कंप्लीट करते हैं. तो पहले बता दूं या ब्रेक चाहिए, क्या करना? अभी पहले का ही एक बैकग्राउंड थोड़ा सा, उसके बाद राइटअप आएगा उसका. पहले बता दें सर, क्लास कब तक है? क्लास देखो, मैं तो क्योंकि जब इनिशियली बहुत कम स्टूडेंट्स थे तो मैंने तो सोचा था जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन अब आ गए हैं और बाकी लोग आई थिंक सीरियस इनफ हैं. मैं यूट्यूब पे अभी वीडियो डाल दूंगा, देख लेंगे वो दोपहर तक या शाम तक, है ना. तो मेरे को बताओ ब्रेक चाहिए या बता दें पहले, क्योंकि राइटअप भी आएगा उसका, के समझाने के बाद राइटअप के लिए ब्रेक दे दें. अच्छा ब्रेक चाहिए, ठीक है. तो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. इट्स 11:22 कितने बजे, 35:40 पे शुरू करते हैं. आप चाय वगैरह पी लीजिए, मैं भी कुछ पार्ले जी खा लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है खाना तो आज मिलेगा नहीं, राइट.
तो उसके बाद सर ब्रेक दोगे तो सर स्क्रीनशॉट दिलवा दो ऊपर से नीचे तक। स्क्रीनशॉट ये मैं इसका आपको वो भेज देता हूँ, क्या दिक्कत है देता हूँ ना फिर वो ग्रुप के ऊपर, तो आप इतने वो देख लीजिए। आपके सामने ही कर देते हैं, हमें कौन सा कुछ छुपाने की है। मतलब ये इनिशियल है, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि पूरा मैं राइटअप फिर आपके साथ सर्च करूंगा ना। तो ये लो मैंने आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जिन लोगों को देखना है ना। ठीक है प्लीज रिवाइज करिए। हम स्टार्ट करते हैं 35:40 पे। ठीक है 40 पे करते हैं, आप चाय पी लीजिए, मैं भी थोड़ा टाइगर के बिस्किट खा लें। ओके थैंक यू।
हाँ जी, हो सारे हैं, सारे एंड आर यू ओके? हाँ जी, स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब है ना, पहला ही चीज चल रहा है। इसका राइटअप भी मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, है ना। अभी मैंने बस आपको इमोशंस के बारे में बताया है, अभी थोड़ा सा एक राइटअप भी लिखवाना है हमें, है ना, थोड़ा सा राइटअप लिखवाना है। चलिए, इमर्जेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ एआईबी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले ही टॉपिक की हेडिंग के अंदर हम चल रहे हैं, पहले ही टॉपिक की हेडिंग में चल रहे हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सी, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वी हैव डिस्कस्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इट इज प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अफेयर्स, टू मैनेज अफेयर्स, है ना, मैनेजमेंट करना, इंडिविजुअल गोल अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना, और गवर्नमेंट ही होती है जो ये करती है। हाँ, मैनेजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, टू मैनेजिंग अफेयर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो सकती है भैया, पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करें, जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उनके गोल्स अलग होते हैं, वेलफेयर देना, सोशल इक्विटी देना, समाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करना, लोगों की डेवलपमेंट एनहांस करना, डिस्क्रिमिनेशन हटाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो हो सकता है। किसी प्राइवेट एजेंसी की बात करो, उसका एम हो सकता है प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसे लेना, वो वाली चीज, है ना। हर बंदे का अलग गोल है। सी फॉर एग्जांपल, यू टेल मी, डू यू वांट ग्लोबल वार्मिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द वर्ल्ड? डू यू वांट इट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द वर्ल्ड? यू वांट इट टू डिक्रीज? पर जो बंदा एसी बनाता है उसके लिए तो लॉटरी है, क्योंकि हर घर में एसी लग रहा है। Are you getting this? तो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो खुश है कि वो और गर्मी हो, हमारे एसी भी के। Are you getting this? तो हर बंदे के गोल्स अलग होते हैं, गवर्नमेंट के अलग हो सकते हैं, प्राइवेट के अलग हो सकते हैं। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट हो रही थी, तो फर्स्ट फेज के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, राइट, अगर आप फर्स्ट फेज के अंदर बात करें, तो रफली जब एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ हुई टिल 1930, तो आप देखिए जो थिंकर्स हैं, सर कर दूं चेंज, क्या चेंज करना है, हाँ वो है। तो आप देखिए टिल 1930s, सी, हर बंदे ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को सेम माना था, पब्लिक और प्राइवेट सेम माना गया था, जो कि गलती थी पर हो गई हमसे। पब्लिक और प्राइवेट को सबने सेम मान लिया था कि भैया ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और इनको सर हेडिंग क्या है, ये हेडिंग यही चल रही है ना, ये वाली कहाँ गई, इमोशंस एंड इमर्जेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ एआई। अभी मैंने आपको इमोशंस बताया क्या होता है, अब इमर्जेंस बता देता हूं, फिर एक इनका एक साथ एक पूरा राइटअप लिखवा देंगे छोटा सा। अभी मैंने आपको ये बताया इमोशंस क्या होती हैं, अब मैं बता रहा हूं इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट कहां से आया, कि क्यों इमोशंस हमें मैनेज करनी आनी चाहिए, प्रोसेस करनी आनी चाहिए। बैकग्राउंड डाल दो सर, हाँ मतलब हेडिंग अगर आप चाहो डालना चाहते हो तो इसका हेडिंग आप वो डाल सकते हो, इमर्जेंस या बैकग्राउंड ऑफ, ये लो इमर्जेंस ऑफ एआई, इमर्जेंस ऑफ ईयर, वो हेडिंग दी हुई है ना, अभी हेडिंग चेंज नहीं हुई है, वही हेडिंग चल रही है, इसलिए पहले हेडिंग बताई थी। तो देखिए, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को सेम माना गया था,
और सेम मानने की वजह से इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का एम भी एक माना गया था, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवाना है, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, इन्होंने ये बोला गया था। और इसी चीज को ध्यान में रख के सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट को सेम माना गया, एक एसी बेचने वाले सेल्समैन को और एक लेट्स से सरकारी स्कूल बन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को सेम माना गया, राइट? कि जैसे एलएनटी मॉल बनाता है या एलएनटी एक रेजिडेंस फ्लैट्स बनाता है ना, ऐसे ही अगर पीडब्ल्यूडी भी रेजिडेंट फ्लैट्स बनाता है तो दोनों सेम है। सी जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग आई एम कीपिंग एलएनटी एंड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एज टुगेदर। L&T भी कंस्ट्रक्शन करता है और PWD भी। सी आपका इलांटे मॉल चंडीगढ़ वाला L&T ने बनाया, PWD भी कंस्ट्रक्शन करता है, PWD भी कंस्ट्रक्शन करता है। जितनी बिल्डिंगें गिरी हुई दिखी हैं वो मतलब PWD का क्राइटेरिया वहां पे था। चलो जो तो एक गवर्नमेंट एजेंसी है, एक प्राइवेट एजेंसी है, इनिशियली थिंकर्स ने दोनों को सेम माना था कि दोनों प्रॉफिट मैक्सिमम करवाना चाहते हैं, दोनों प्रॉफिट मैक्सिमम करवाना चाहते हैं। और आप देखिए हम एक चीज बोलते हैं कि बिजनेस के अंदर इमोशंस नहीं मिक्स करने चाहिए, डू नॉट मिक्स इमोशंस इन बिजनेस, यू शुड ऑल्सो नॉट मिक्स इट इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, बट स्टिल यू शुड नॉट मिक्स इमोशंस इन बिजनेस। बिजनेसमैन जो होता है ना इमोशन पे नहीं प्रॉफिट पे काम करता है, याद रखेगा। सी लेट्स से मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई नमन शर्मा स्टडी हब, एक मैंने बहुत बड़ा ऑफलाइन सेंटर खोला, रात के 10 बजे क्लासेस चल रही है, सामने रोड पे अंधेरा ही अंधेरा है, लड़कियां लड़के रात को चल के जा रहे हैं वहां से, सिक्योरिटी इशू है। तो मेरे इमोशन आई कि यार बच्चे बेचारे चल के जा रहे हैं, इनको क्या मुफ्त में कैब लगवा दूं, इनके लिए क्या स्ट्रीट लाइट लगवा दूं, एक सिक्योरिटी गार्ड क्या खरीद दूं ताकि इन लोगों को खरीद दूं इज अ रॉन्ग वर्ड, सिक्योरिटी गार्ड क्या हायर कर लूं जो इन लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन फिर मैं अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखूंगा कि ये तो लॉस हो जाएगा, बिना बात के इन्वेस्टमेंट क्यों कर, व्हाई शुड आई मेक स्ट्रीट लाइट जिसके लिए मैं चार्ज नहीं कर सकता। आई थिंक एक हमने देखा हुआ है ना टाइप्स ऑफ गुड्स, पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स, वो जितने भी हमने गुड्स देखे मेरिट गुड्स एंड ऑल, नहीं देखा है तो आप YouTube पे उसकी वीडियो पढ़िए, देख सकते हो अच्छी, वो मैच तो फॉलिंग आ जाता है के बार प्रीलिम्स में। तो आप देखिए प्राइवेट वाले इमोशन नहीं मिक्स करेंगे बेटा, वरना सी आपने अगर एक बिजनेस चलाया और आप उसे इमोशन से चलाने लग जाओ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ये मान रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ऐसा ये मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लॉन्च्ड अ बिजनेस ऑफ एन ऑनलाइन अकेडमी, अगर मैं हर एक को मुफ्त में देता रहूं सारी चीजें कि तू भी मुफ्त में पढ़ ले, तू भी मुफ्त में पढ़ ले, सी मैं मन से चाहता हूं, मेरी इमोशन ये है कि मैं सबको मुफ्त में पढ़ाऊं, लेकिन अगर मैं इस इमोशन को हावी होने देता हूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बाकी लोग आबाद हो सकते हैं पर या तो बर्बाद कर दो जाएगा, राइट? तो आप देखिए इनका ये मानना था कि प्रॉफिट कमाने के लिए मैक्सिमाइजेशन करने के लिए देर इज नो प्लेस ऑफ इमोशंस, there is no place of emotions in administration. Emotions जहां दिखाई वहां बर्बाद। See, for example, you are a salesman. आप AC बेच रहे हो, है ना? आपकी कंपनी AC बेचती है 40,000 की, exactly value neutral, ये है ना बात, यही सुनने की कोशिश कर रहा था मैं, pub ad वाले मेरे जो है political neutrality good. तो बाकी लोग इसे ध्यान से समझो, वो in terms में नहीं जा सकते हैं। तो आप देखिए क्या है, इन लोगों ने क्या कहते हैं, अच्छा आपकी कंपनी AC बेच रही है 40,000 का AC है, लेकिन सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ एक बेटर क्वालिटी का AC साथ वाली दुकान पे मिल रहा है 35,000 में, और आपको पता है आप सेल्समैन हो, तो आपके सामने एक बंदा आता है जिसे आप जानते हो या आपको बात करने से लगा है कि बेचारा बहुत गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके लाया है, या आपका रिश्तेदार है, इमोशंस, तो आप उसे सही एडवाइस देना चाहते हो कि पागल साथ वाली दुकान से ले ले, 5,000 भी बचेंगे और अच्छा AC है। लेकिन आप देखो इज इट गुड फॉर एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हो, इज इट गुड और नॉट? नो, इट इज नॉट गुड एग्जैक्टली। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि चाहे सरकारी अफसर हो चाहे प्राइवेट वाला हो, दोनों सेम है,
सेल्समैन की तरह काम करो, इमोशंस बीच में नहीं लाओगे आप. इन शॉर्ट, देर वॉज नो प्लेस ऑफ इमोशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन. और इमोशंस को आप वैल्यूज के साथ कर सकते हो. दैट ब्यूरोक्रैट्स विल बी वैल्यू न्यूट्रल. ब्यूरोक्रैट्स विल बी वैल्यू न्यूट्रल. कोई वैल्यूज नहीं दिखाएंगे या इमोशंस नहीं दिखाएंगे. कोई इमोशंस नहीं दिखाएंगे एफिशिएंसी के लिए. देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा. अच्छा आप ध्यान से थोड़ा सा एक और समझो. मैं एक सेल्समैन हूं, मेरी कंपनी 40,000 का एसी बेचती है, साथ वाली कंपनी 35,000 का अच्छा बेच रही है. और मैं आपको सच में लेट्स से इमोशन दिखा के मैं आपको बोल देता हूँ कि वैसे ना सर, साथ वाली दुकान पे चेक कर लो, 5,000 बचेंगे, अच्छी क्वालिटी का एसी है. ठीक, क्या आपको ये नहीं लगता, लेट्स से वो साथ वाली दुकान पे जाता है, 35,000 का एसी ले लेता है, सी आपको नहीं लगता उस कंज्यूमर की नजर में मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी कि क्या बंदा है यार, अगली बार उसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना होगा तो मेरे पास आएगा कि भैया आप बताओ, आप हमें पता है आप हमारा नुकसान नहीं करवाओगे. और हो सकता है 40,000 का एक एसी मैंने नहीं बेचा हो, वो अगली बार आके 5,00,000 का सामान ले जाए क्योंकि अब उसे मेरे पे भरोसा है. हो सकता है. आप देखिए इमोशंस. सी आपने देखा दुकान में कोई आए, लेट्स से साड़ी देख रहा है, 2 घंटे हो गए, आप उससे पूछ लो सर जूस पियोगे, बहन जी चाय पियोगे. अब चाय का खर्चा इमोशन आ गई, वैल्यूज दिखा दी, आपका नुकसान है. लेट्स से आपने 50 रुपए का एक जूस पिला दिया उसे और उसने कुछ नहीं खरीदा, तो आपके लिए तो नुकसान ही है. और अगर कुछ खरीद भी लिया तो भी 50,000 रुपए का तो नुकसान ही है ना, उसके बदले कुछ आपको नहीं मिला. लेकिन हो सकता है आपके उस जूस पीने की वजह से वो 1,00,000 का सामान खरीद रहा हो, 5,00,000 का खरीदता है कि यार अपनी दुकान है चलते हैं. कितनी बार आपको अच्छा लगता है उस दुकान में जाने के लिए जो दुकानदार आपको जानता है, अच्छे से बात करता है. तो आप देखिए, पर इनिशियल थिंकर्स का ये मानना था कि अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे ने इमोशंस दिखाई या वैल्यूज दिखाई तो नुकसान हो जाएगा, एफिशिएंसी हर्ट हो जाएगी, एफिशिएंसी हर्ट हो जाएगी. इनका ये मानना था, है ना, इनका ये मानना था. क्योंकि इन्होंने क्या बोला, लाइक सेकंड कंसेप्ट में देर वॉज नो प्लेस इन इमोशंस बिकॉज सर बाद में पिलाना चाहिए जूस आफ्टर परचेज. ले फिर तो वो निकल लिया ना. फिर तो निकल लिया. तो आप देखिए दूसरी चीज, आप एक और चीज इसके अंदर देखिए. सी इनके अकॉर्डिंग यू नो सच थिंकर्स अज्यूम्ड दैट इमोशंस नेगेटिवली इंपैक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी एज इनका क्या मानना है कि क्यों नेगेटिवली इंपैक्ट करता है. एज देखो इमोशंस, अगर आप बंदे को कहो कि वैल्यूज दिखाएं तो आप देखो हो सकता है वो हर बार ही वो साथ वाली दुकान पे बंदा भेजता रहे, हर एक को आप जूस पिला रहे हो और वो कुछ नहीं खरीद रहा, फिर नुकसान हो जाएगा जैसे अभी अमर ने बोला कि पहले खरीदने दो. तो वैल्यूज दिखाने से दिक्कत हो सकती है. सी फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको किसी ने एक ऑर्डर करके भेजा है. देखिए रिसोर्सेज ना लिमिटेड है. लेट्स से आप डीसी हो और आपको बोला है फ्री मेडिसिन बांटनी है, और जितना आपके पास पैसे आए हैं आपके पास फ्री मेडिसिन बांटने के, 100 लोगों को आप फ्री मेडिसिन बांट सकते हो, राइट. और उसके लिए एक रूल लिखा हुआ है कि ये क्वालिफिकेशन जो पूरी करेगा सिर्फ उसे ही बांटना है ना. आपके पास एक बहुत ही पुअर इंसान आया, रोने लगा और बोलने लगा सर मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया, ये नहीं खाया, मेरी दवाइयां भी चल रही हैं, तो प्लीज मेरे को ये मुफ्त मेडिसिन दे दो, बट ही इज नॉट क्वालिफाइंग दिस. तो अगर आपने अपनी वैल्यूज दिखाई या इमोशंस दिखाई, आप बह गए इसके अंदर, तो आप इसको दे दोगे मेडिसिन दे दोगे और ये क्वालिफाइड नहीं था. तो किसी एक जैन बंदा जो इस क्वालिफिकेशन के अंदर आता होगा उसका अपने हिस्सा इसे दे दिया, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो नहीं है. और पता चले लोग अब जान पूछ के रोते रहते हैं. सी वो रियालिटी शोज में नहीं हो गया, जब पहली बार रियलिटी शो स्टार्ट हुए थे, दौर हुआ था, तो आप देखिए अगर कोई बंदा रो देता था तो आपको लगता था अरे बेचारा रो गया वोट कर दो. अब तो हर दूसरे दिन कोई रो देता है, एक एपिसोड में 4-4 बार कोई रो देता है.
क्योंकि उन्हें लग गया है कि अब इमोशंस दिखाओ और वोट ले लो. आर यू गेटिंग दिस? तो आप देखिए कभी कभार ये चल जाता है, हर बार नहीं. वैल्यूज दिखाने से इनका ये मानना था कि इमोशंस दिखाने से इमोशंस प्रिवेंट लॉजिकल थिंकिंग. कि मुफ्त में आप जूस पिलाते रहोगे, इमोशंस प्रिवेंट लॉजिकल थिंकिंग. इनका ये मानना था इट मेक डिसीजंस मोर हैपहजार्ड. हैपहजार्ड का क्या मतलब है? हैपहजार्ड. सी हैपहजार्ड का क्या मतलब है कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी गिरेगी. हो सकता है एफिशिएंसी गिर जाए, नेपोटिज्म वगैरह आप दिखाना शुरू कर दो. सी अपने रिश्तेदारों को जो रो रहा है, अपने गली के लोगों को नेपोटिज्म. सर जल्दबाजी, नेपोटिज्म दिखा सकते हो. आप अपने रिश्तेदारों को फेवर करोगे, नेपोटिज्म दिखा सकते हो, फेवरेटिज्म दिखा सकते हो, एंड सी हेट्रेड दिखा सकते हो. लेट्स से आपकी मेरे से बनती नहीं है कि बहुत पढ़ाते थे सर, बहुत परेशान किया है, मैं आपसे कोई काम करवाने आ गया, आपने वैल्यूज दिखा दी, आप मेरे को पसंद नहीं करते, तो आप मैं डिजर्विंग भी हूंगा तो भी मेरे लिए काम नहीं करोगे. आर यू गेटिंग दिस? से कुछ लोग होते हैं बड़े ही शैतान लोग होते हैं. लेट्स से मैं आपके यहाँ पे वो लेने आया, क्या कहते हैं, आपके दुकान पे वो लेने आया, क्या कहते हैं, फोन लेने आया या टी शर्ट. सी कुछ सेल्समैन को देखा आपने, कुछ सेल्समैन करते हैं. लेट्स से आप उन्हें खूब घुमा दो और फिर उन्हें लगे कि आया है, या उन्हें आप पसंद नहीं आओ, जो भी हो, तो जान बूझ के आपको एक पुराना माल उठा के दे देंगे, या वो टी शर्ट दे देंगे जो ट्रायल के लिए रखी हुई, या नई टी शर्ट भी निकालते हैं. जान पूछ के बोल देते हैं कि सर, हालांकि ये प्रॉपर रूल है कि सेल्समैन जो टी शर्ट डिस्प्ले पे होती है, जो हर बंदा ट्राई कर रहा है, वो नहीं बेचते, वो सिर्फ ट्रायल के लिए, आपको एक फ्रेश पीस निकाल के देना होता है उन्हें. लेकिन कुछ लोग क्या बोल देते हैं, सर है ही नहीं हमारे पास, लास्ट ही पीस है सर, लेना है तो ले लो. क्योंकि उन्हें पता है आपका मन बन चुका है, तो चिपका दो इसे, बेकार वाली चिपका दो जिसे 500 लोग पहन चुके हैं. तो आप देखिए वैल्यूज दिखाने से बहुत नुकसान हो सकता है, ऐसा इनका मानना था. इसलिए कहते थे जो रूल्स बोल दिया वैसे डिसीजन करो. सर लाइक नीड टू सेट द डिजाइन, एग्जैक्टली, फ्रीडम ना दो मैन को. बहुत बढ़िया सुखिंदर, ब्रिलियंट है ना. लेकिन आप देखिए उसके बाद जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक दौर आया 1930 के बाद का, दैट इज पोस्ट 1930s. एल्टन मेयो आए और बिहेवियर स्कूल आया, पर एल्टन मेयो को हम देते हैं ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट इन्होंने करी. आप सबने इन्हें बारे में पढ़ा होगा, चाहे इंजीनियरिंग में चाहे मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट. सी इन्होंने ये प्रूफ किया कि लोग अगर इमोशंस दिखाएंगे तो ही काम हो सकता है. आप लोगों को, सी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स दैट आर बाउंड टू शो इमोशंस. अगर ह्यूमंस इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, तो हम कोई मशीन थोड़ी ना है. सी वी आर लिविंग क्रिएचर्स, वी आर बाउंड टू शो इमोशंस. आर यू गेटिंग दिस? सी आपने अगर घर में डॉग रखा हुआ और आप उसे 3 टाइम का खाना दे देते हो तो काफी नहीं है ये, वो लिविंग क्रिएचर है. आप उसे प्यार दिखाओगे तो उसे अच्छा लगेगा, उसके चेहरे पे आ जाता है, वो आपसे चिपकने लगेगा, कूदने लगेगा. अब आपको पसंद है नहीं वो अलग बात है, पर वो लिविंग क्रिएचर है. वो कोई लैपटॉप नहीं है कि ले आया, टाइम टू टाइम चार्ज कर दिया तो चलता रहेगा, कि टाइम टू टाइम खाना दे दिया तो सब ठीक हो जाएगा. लिविंग क्रिएचर्स आर बाउंड टू शो इमोशंस, दे आर बाउंड टू शो इमोशंस. तो एल्टन मेयो ने ना एक चीज प्रूव करी. देखो बहुत सारे थिंकर्स ने भी किया था, पर एल्टन मेयो ने प्रूव करी कि इनफॉर्मल ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. से आप ध्यान से देखिए, लेट्स से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, वहां के लोग मेरे को पसंद नहीं है, मशीन की तरह बैठे रहते हैं, ना गुड मॉर्निंग करते हैं, ना बात करते ढंग से, तो मेरा ऐसी जगह पे जाने का मन नहीं करेगा और मैं डिसइंटरेस्टेड होके काम किया करूंगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी. लेकिन जहां मेरे को मजा आ रहा है काम करने में, पढ़ाने में, पढ़ने वालों को पढ़ने में मजा आ रहा है, वहां पे बात ही और होती है. तो एल्टन मेयो ने कहा बिना वैल्यूज के ह्यूमंस काम नहीं कर सकते. बल्कि इन्होंने बोला कि एफिशिएंसी इंक्रीजेस इफ पीपल शो इमोशंस और वैल्यूज. सी ये वही वाली चीज है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन.
सी आप एक दूसरे को सुनोगे, हर बंदे की बात, हमने लिखा था ना इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी, सी आप मोटिवेशन करोगे, नए नए आइडियाज सुनोगे, इनोवेट करोगे, मन लगा के काम करोगे, रेपुटेशन बिल्ड करोगे। तो इन्होंने ये प्रूव किया कि वैल्यूज और इमोशंस दिखाने से एक रेपुटेशन बनती है, एग्जैक्टली वो चीज बनती है। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। अब देखिए ये तो हुआ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बोला ना बाद में आएगा काम करवाने। तो आप देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर आप बात करो जो इसी से रिलेटेड है, एक इंसान की इमोशनल, सी इमोशनल इंटेलिजेंस पहली बार 1985 के अंदर टर्म कॉइन किया गया। द टर्म वॉज कॉइंड, बाय लियोन पेन, पर इतना फेमस नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि लोगों को अपनी इमोशंस अच्छे से मैनेज करनी चाहिए, वैल्यूज अच्छे से मैनेज करनी चाहिए। इन्होंने हल्के सी कोई चीज बोली लेकिन इतना फेमस नहीं हुआ। उसके बाद 1990 में दो और स्कॉलर्स आए, जैक मेयर एंड पीटर सेलोवी। इन्होंने इसे फर्दर कंसेप्ट को थोड़ा सा समझाया पर अगेन फेमस नहीं हुआ। लेकिन 1995 में हुआ धमाका। 1995 के अंदर एक बंदे आए, डैनियल गोलमैन, इन्हें हम फादर बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का टाइटल देखना, इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस : व्हाई ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट मैटर्स मोर देन आईक्यू, कि आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा मैटर करती है आपकी इमोशनल मैनेजमेंट की टेक्निक्स। सी इन्होंने क्या बोला कि एक बंदे की 80% सक्सेस इन जॉब डिपेंड्स अपॉन ईक्यू, डिपेंड्स अपॉन ईक्यू, एंड ओनली 20% सक्सेस डिपेंड्स ऑन आईक्यू। इन्होंने एक और चीज बोली, सी ही सेड IQ gets you selected, but EQ gets you promoted. See, ध्यान से समझे क्या गेम है, ध्यान से समझेगा। IQ का मतलब है आपके पास कितनी नॉलेज है और कितने अच्छे से यूज करते हो। EQ का मतलब है कि आप इमोशंस कितने अच्छे से मैनेज करते हो, इमोशंस अपनी भी और दूसरों के मुताबिक भी। सी आप ध्यान से देखिए, लेट्स से जॉब के अंदर हूं, एक मैं इंसान हूं, एक और है दूसरा बंदा, एक दूसरा बंदा है, इट्स लाइक यस सेम लाइक इंटरव्यू। तो देखिए क्या है, लेट्स से मैं गया किसी के पास, मैं ऑर्गेनाइजेशन में एक मैं बॉस हूं और मैं अपने जूनियर्स को क्या बोलता हूँ कि अरे कोई नई आइडिया सजेस्ट कर यार, अरे आज अच्छी अच्छी टी शर्ट पहन के आया है, कभी पार्टी भी दे दिया कर, लाइक मैं बहुत अच्छा माहौल रखता हूँ उसके साथ, तो वो कनेक्टेड फील करेगा। मेरा फीडबैक उससे पूछोगे तो वो 10 बार अच्छी चीजें बोलेगा कि बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छा है बॉस है। एक दूसरा बॉस है जो आपकी जान लेके रखता है, सो क्यों रहा था, लंच पे लेट क्यों हो गया, काम अब तक क्यों नहीं दिया, डेडलाइन 2 मिनट बाद सबमिट करो। आप उसे फिर ना फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आके गालियां दे रहे होगे कि खुद कभी कुछ करता नहीं है, हमें बोलता रहता करने के लिए। देखो नॉलेज तो दोनों बॉस के पास थी, आईक्यू तो दोनों के पास था, एक बॉस ने इमोशंस यूज करी, दूसरे बॉस ने इंटेलिजेंस यूज करी। ज्यादा बेटर कौन सा है, ज्यादा अच्छा फीडबैक किसका आएगा, सही सही बताओ, ज्यादा अच्छा फीडबैक किसका आएगा, इमोशंस वाले का। सी थोड़ा और अगर आपको इस वे में देखना है ना, नरेंद्र मोदी एंड मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह इज द मोस्ट एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर वी हैव एवर हैड, है ना, मोस्ट एजुकेटेड। तो वो बहुत काम की स्पीचेस देते थे। अगर आप मनमोहन सिंह की स्पीच सुनो या पढ़ो, फैन हो जाओगे, बड़ी काम की चीज बोलते थे, जीडीपी का ये हो सकता है, इससे ये करोगे तो इन्फ्लेशन रुक सकती है, ये हो सकता है, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट, स्पेस सेक्टर, बहुत अच्छी चीजें बोलते थे, लेकिन हम बोर हो जाते थे क्योंकि आते थे एक जैसे वो डिबेट स्पीच है, वो स्पीच लेके चले जाते थे। नरेंद्र मोदी की 2 घंटे की सेम स्पीच हो तो उसमें ये जीडीपी, इमोशन, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इन सब के बारे में बात होगा 15 मिनट, 1.5 घंटा वो आपका मन बहला के रखेंगे।
कि हाँ दोस्तों वोट करोगे कि नहीं करोगे, दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, ताली मार के बताओ, भारत माता की जय बोल के दिखाओ, दिया जलाओ, कोरोना भागेगी। से आप समझ रहे हो गेम क्या है? गेम ये है, नरेंद्र मोदी जब स्पीच देते हैं तो लोगों को इमोशनली उनसे कनेक्ट फील होता है। एग्जैक्टली, इमोशनली कनेक्ट फील होता है, इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए वो अच्छे लीडर हैं। लेकिन ये बात आप मान सकते हैं कि कंटेंट वाइज मनमोहन सिंह इज ब्रिलियंट फ्रॉम एनीबडी बीट नरेंद्र मोदी, पर नोबडी केयर्स, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है। सी, वो एक टफ बॉस की तरह एक स्पीच देके जा रहे हैं, हमें कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मेरिट ऑब्वियसली मनमोहन सिंह में था। सी, आप देखिए, मनमोहन सिंह आगे आपको एक नई टेक्नोलॉजी समझाएं कि हम एक नई जूम ऐप लॉन्च कर रहे हैं टीचिंग के लिए, कि टीचर्स जो होंगे वो एक तरफ बैठे होंगे, लिखेंगे, दूसरे को समझेंगे, इंग्लिश में बोल जाएंगे फटाफट, आप बोलोगे पता नहीं क्या कर गए यार। नरेंद्र मोदी आके बड़े आराम से कॉमन मैन वाले एग्जाम्पल से चीजें बताएंगे, टाइम की कमी नहीं है। कि भाइयों देखो, सॉरी मित्रों देखो, एक ऐसा यंत्र मैं बनाऊंगा जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, चाहे वो पूरी दुनिया में आ चुका हो, राइट, लेकिन वो बोलते इतने स्टाइल से है ना, अट्रैक्शन गेन करते हैं, कि ऐसा यंत्र है, एक ऐसी ऐप है कि आप इसे, सी उन्होंने लोगों को ये कन्विंस करवा दिया था, दिया जलाने से कोरोना भागेगा, बर्तन पीटने से वो भागेगा। ये होता है गुड ओरेटर, एंड ही यूजेस इमोशंस, ही नो व्हाट पीपल वांट। गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की लड़ाई हो गई थी, गांधी क्या बोलते थे, चरखा घुमाओ ब्रिटेन भागेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला ये क्या मजाक है बे, चरखा घुमाने से ब्रिटेन कैसे भागेगा? तो गांधी ने बोला तू चुप रह, मैं कर रहा हूं ना। क्योंकि गांधी को पता है लोगों को अच्छा लगता है ये करना, गांधी जहां जहां से जा रहे हैं लोग चरखा घुमा रहे हैं। इमोशनल, सी सिलेक्शन होने के लिए आईक्यू चाहिए, इलेक्शन जीतने के लिए आईक्यू चाहिए, पेपर क्रैक करने के लिए आईक्यू, लेकिन आप एक अच्छे डीसी या आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, सी एसएससी निकालने के लिए आईक्यू चाहिए, वर्बल रीजनिंग ये सब आएगा, लेकिन आप एक अच्छे इंस्पेक्टर बनोगे, अच्छे आईएएस बनोगे, वो डिपेंड करेगा आपका ईक्यू कितना अच्छा, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को कितना, वरना वो सारे यूनाइट हो जाएंगे, आपका लिट्टन वाला काम हो जाएगा हिस्ट्री में, सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। Are you getting this? So, हमेशा जरूरी नहीं है आप कंटेंट पे काम करो, इमोशंस पे काम करो। और डैनियल गोलमैन की ये स्टेटमेंट इतनी फेमस हुई, आप देखो आज हर ऑर्गेनाइजेशन में वो होती है ना, ट्रिप पे चले जाते हैं, गेम नाइट होती है, खेलते रहते हैं ताकि बॉस की और दूसरों की इंट्रैक्शन होती रहे, इमोशंस पता चले उसे आके। लेट्स से कोई मंडे को सुबह आया है, आप उसे जाके बॉस डांट सकता है कि क्या काम अब तक नहीं किया, या एक बॉस जाके उसके कंधे पे हाथ रख के बोले कि लगता है रात को ज्यादा होगी, कोई बात नहीं जल्दी से कॉफी पी और काम कर। तो काम करवाने से मतलब है आप कितना अच्छा, एग्जैक्टली, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को फेमस कर दिया, और इतना फेमस कि आज हम भी बढ़ रहे हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस, अदर्स इमोशंस, then managing the emotions and then handling the social relationship. See, जब दो लोग मिले तो आप अपना मूड कैसे संभालोगे, दूसरे का मूड अच्छे से समझो और फिर से। See, for example, मैं बहुत गुस्से में हूं, आप आए कहीं और से, आपसे नहीं किसी और वजह से गुस्से हो, घर में मेरी लड़ाई होगी, मम्मी ने खाना नहीं दिया मेरे को, राइट, मैं गुस्से में हूं, आप आए मेरे पास कि सर एक डाउट था। अब मैं गुस्से में हूं, लेकिन अगर मैंने अपना इमोशन मैनेज नहीं किया तो देखो हम दोनों के जो आपसे रिएक्शन उसमें दिक्कत हो सकती है। तो या तो मैं आपको बोल दूं कि कल, हर बंदे का अपना होता है, जब लोग बहुत गुस्सा होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, तो अगर मेरे को अपने बारे में पता होगा, मैं सेल्फ अवेयर हूंगा, तो मैं आपको बोल दूंगा कि यार कल डाउट पूछियो, क्योंकि मेरे को पता है इस माहौल में मैं जो भी बोलूंगा गलत ही बोलूंगा, तो मैंने इग्नोर ही कर दिया। कुछ लोग होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं, वो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं बेटा बताओ, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है आप गुस्से में डिसीजन सही नहीं लेते, तो आप साफ उस रिएक्शन, उस इंट्रैक्शन से अलग हो जाओ, अपने बारे में आपको बेटर पता है किसी और से। सिमिलरली मैं ठीक हूं, मेरे को आप दिखा, आप अभी वहां पे साइड में किसी से लड़के आए हो तो आप गुस्से में हो, तो मैं आपको थोड़ा सा अलग ढंग से बात करूंगा, क्योंकि उस फेज में मेरे को पता है रिएक्शन हो सकता है, मैं आपको आराम से बोलूंगा कि हाँ कोई बात नहीं करते लाइक घुमा देंगे बात, क्योंकि फिर वरना लड़ाई हो सकती है। तो अपने बारे में भी जानना
दूसरे के बारे में भी जानो। दूसरे के बारे में कैसे जानोगे? एक्सपीरियंस, बाहर घूमो। सी एआई कैसे बढ़ा सकते हो आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस? कैसे? जितना ज्यादा आप लोगों के बीच बैठोगे उतना पता रहेगा ये बंदा ऐसे बात करता है, ये बंदा वैसे करता है, ये बंदा। कॉलेज क्यों व्यस्त होता है? कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 50 दोस्त होते हैं, लास्ट सेमेस्टर में 4 रह जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है ये सिर्फ पैसे करता है, ये जेलस फील करता है, ये बेकार है, ये वो है। एग्जैक्टली तो आप देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट 1990s में फेमस हुआ, और इसका ये मानना है कि एक बंदे को, एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान जो अपनी और दूसरों की इमोशंस अच्छे से मैनेज कर पाए, इसे सुधार भी सकते हैं, जो अच्छे से मैनेज कर पाए वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। सी लाइक इफ आई टेल यू, मेरा कजन है, उसकी 12वीं में ही 2 कंपार्टमेंट आई थी, 12वीं में ही 2 कंपार्टमेंट आई थी, कॉलेज भी, आई थिंक उसका ग्रेजुएशन भी नहीं है, ग्रेजुएशन निकला ही नहीं उससे, पढ़ने में ध्यान नहीं था, लेकिन हाँ उसका एआई बहुत अच्छा है भैया। तो हम जब किसी फैमिली पार्टी में बैठे होते हैं, फैमिली फंक्शन में बैठे होते हैं, वो जितने लोग होते हैं सबका मन लगा के रखता है, किसी को बोर नहीं होने देता। हाँ भैया क्या कर रहे थे, अरे तू ये कर रहा है, जो क्रैक करता रहता है, अलग अलग करता रहता है। मैं वहां चुपचाप बैठा था, मैं वेट कर रहा था कि करंट अफेयर पूछोगे भैया, आप ये पूछोगे, क्योंकि मे बी आई हैव आई क्यू बट माई ई क्यू इज नॉट दैट सेम एज दैट ऑफ दैट पर्सन। हाँ ई आई इज नॉट डिसाइडेड बाय मार्क्स फॉर श्योर, ई आई इज योर इमोशनल कॉन्टेंट। हाँ पढ़ के आप इमोशनल इंटेलिजेंस समझ सकते हो, सुधार सकते हो, पर प्रैक्टिकली तो वहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो एक बार लिखो इमर्जेंस ऑफ एआई। सी ये चीज तो हमें बताइए, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस। एक थोड़ा सा ना राइटअप लिखेंगे, वही जो पहली हेडिंग थी, दैट इज ये वाली, इमोशंस एंड इमर्जेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ एआई। इसका राइटअप लिख लेते हैं, एआई की डेफिनेशन भी करवाऊंगा, राइट डाउन, क्योंकि फिर आज एग्जाम भी है, बहुत बच्चे भी नहीं है, तो हम ज्यादा आगे तो और नहीं जा सकते, पर राइट डाउन। Emotions are the personal experiences. Emotions are the personal experiences. Emotions are the personal experiences that arise from. Teji se likhenge. Emotions are the personal experiences that arise from. That arise from complex interplay among, definition complex hai, complex interplay among physiological, comma, cognitive matlab behavior, physiological, cognitive and situational variables. ये हमने देखा है, 3 components रहते हैं, situational variables, full stop. Emotions are basic aspect. देखो कमाल की बात है, definition में हम बोलते हैं emotions are basic aspect of human functioning, और जब model बना रहे थे तो हमने बोला administration में emotions नहीं दिखाने, कैसे हो सकता है? How can a person not show emotion if he is a person? So write down. See, for example, अगर मैं इस टेबल पे ऐसे जोर से मुक्का मारूं ना, टेबल के कोई असर नहीं होगा, पर मेरे हाथ पे मैं इमोशन तो दिखाऊंगा कोई? तो सिंपल लॉजिक है, write down. Emotions are the basic aspect of human functioning. Emotions are basic aspect of human functioning. Full stop. All of us are born with a capacity to experience emotions. All of us are born with a capacity to experience emotions. A capacity to experience emotions. Full stop. All emotions are reaction to the events
All emotions are reaction to the events and emotions, and emotions have an adaptive purpose. And emotions have an adaptive purpose. Adaptive ka kya matlab hai? Adaptation mein madad karta hai. Emotions have an adaptive purpose. Adaptive purpose. Isi mein sabhi likh do functions of emotions. Functions of emotions. First, they increase. See, आप छत पे खड़े हो गए बिना प्रोटेक्शन के, बहुत ऊंचाई पे खड़े हो गए, गिरने वाले हो और डर नहीं रहे हो. सर्वाइव कैसे करोगे बेटा? जिस चीज से डरना उससे डरना भी है, राइट? दे इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज टू सर्वाइव. See, let's say एक टेररिस्ट अटैक हो गया कहीं पे, भगवान ना करे हो, एक टेररिस्ट अटैक हो गया, तो छुप के रहो, दिखाओ इमोशन डरने वाली, घबराना नहीं है, डर लग रहा है तो लग रहा है, राइट? दे इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ अ स्पीशी टू सर्वाइव. सेकेंड, दे फैसिलिटेट सोशल कॉम्युनिकेशन. इमोशन से ही आप बातें करोगे ना, वार्तालाप करोगे. दे फैसिलिटेट सोशल कॉम्युनिकेशन. थर्ड, they help us exercise power. They help us exercise power and maintenance of status. They help us exercise power and maintenance of status. देखो, जैसे father अपनी power दिखाता है बेटे में fear रख के, mother अपनी power दिखाती है आपको आंखों से, दहशत से देख के. इमोशंस दिखाओगे तभी तो आप अपनी पावर और स्टेटस रख सकते हो. गौर रूलिंग पार्टी पावर दिखाती है पुलिस दिखा के. तो देखो, डर है वो, डर वाला जो गेम है वो इमोशन ही है. एक बंदा अपना स्टेटस या अपनी वो वाली चीज थोड़ा सा इमोशन दिखा के ही करता है, राइट? वाली चीज है. नेक्स्ट, दे हेल्प अस वार्ड ऑफ अग्रेशन. They help us ward off aggression. See, जैसे अगर dog है वो बहुत aggressive behavior दिखा रहा है तो आप उसके पास नहीं जाते. कई कई बार आप गुस्सा दिखा के दूसरे लोगों को दूर करते हो. See, अगर आप खुद problem में हो तो कई कई बार आप खुद को aggression दिखा के, aggression का emotion दिखा के बचने की कोशिश करते हो. See, आप मिलेगा ना, कई कई बार आप मारने का ऐसे निशाना करते हो और खुद दौड़ जाते हो, वो डर जाता है. They help ward off aggression. ब्रैकेट में लिखो, इफ डॉग डिस्प्लेस अग्रेसिव एक्सप्रेशन, इफ अ डॉग डिस्प्लेस अग्रेसिव एक्सप्रेशन कॉमा यू विल नॉट गो नियर हिम. You will not go near him. Fifth function. तो देखो, ये तो normal functions हैं emotions के. Fifth is, they help us facilitate motor behavior. Motor behavior as in? Motor behavior as in? I think I'm not familiar with that concept. Kuch ho. Kya hota hai? Batana zara. Haanji, fourth tha, they help us ward off aggression. And fifth hai, they help us to direct our attention to important events. Nervous system related, like how brain responds, exactly. Social and physical context, correct. They help us to direct our attention to important events. So emotions jo hai, ek complex interplay hai, aur in sari cheezon mein madad karte hai. Para change karke ek write up likhenge.
पारा चेंज करके लिखे अर्लियर, लेट्स जस्ट राइट दिस क्विकली, उसके बाद इसका एवोल्यूशन आगे बताऊंगा. अर्लियर इट वॉज थॉट दैट, अर्लियर इट वॉज थॉट दैट, सी पहले हमें क्या लगता था, इमोशंस नहीं दिखानी है क्योंकि इमोशंस दिखाएंगे तो एफिशिएंसी हर्ट होगी. अर्लियर इट वॉज थॉट दैट इमोशंस मेक अस, अर्लियर इट वॉज थॉट दैट इमोशंस मेक अस इनएफिशिएंट, इमोशंस मेक अस इनएफिशिएंट कॉमा represent a sign of weakness, represent a sign of weakness, represent a sign of weakness, comma. पहले लगता था emotion weak बनाता है, comma. obstruct our reasoning, comma, obstruct our reasoning, comma, interfere with sound judgment, है ना, कि जूस पिला दो फ्री में, interfere with sound judgment, comma, distract us, emotions distract करते हैं, distract us, comma, leads to arbitrary behavior. तो हम emotions का negative लिख रहे हैं. Leads to arbitrary, मनमर्जी. Leads to arbitrary behavior. And inhibit the flow of objective data. तो ये emotions के negative point है. And inhibit the flow of objective data. कि हमारी logical thinking वो हटा देता है. तो हम objectively नहीं सोचते, भावनाओं में बह जाते हैं. Inhibit the flow of objective data. Full stop. However, हाँ जी, leads to arbitrary behavior and inhibit the flow of objective data. Para change. तो हमने negatives लिखे, लेकिन बाद में बहुत सारे scholars ने बोला emotions के positive features भी हैं. Trust build करना, अच्छा ज्यादा, see for example, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं किसी organization में पढ़ाता हूँ, मेरे को 3 घंटे का टाइम दिया गया है पढ़ाने के लिए, तो मैं 3 घंटे पढ़ाऊंगा, 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा, आ जाऊंगा. लेकिन अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाता हूँ या ऐसी जगह पढ़ाता हूँ जहां मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, तो हो सकता है मैं 3 घंटे की जगह 6 घंटे भी पढ़ा दूं, है ना. तो इमोशंस बेटर काम भी करवा सकती हैं, और वो पहले इग्नोर हो गया था. पैरा चेंज करके लिखे, हाउएवर द रिसर्चर्स इन मॉडर्न न्यूरोसाइंस, जिन लोगों ने इमोशंस को पढ़ा, however the researchers in modern neuroscience have documented that हाँ जी, however the researchers in modern neuroscience have documented that emotions, first point, help to build trust. इमोशंस के पॉजिटिव पॉइंट लिख रहे हैं, हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट, बी सेकंड, फैसिलिटेट क्रिएटिव एक्सप्रेशन, है ना, कि भैया इमोशंस के पॉजिटिव क्या है, हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट,
क्रिएटिव, आप बाकी लोगों से पूछोगे हेल्प टू वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी आएगी इमोशंस दिखाओगे तो. थर्ड मोटिवेट अस, इमोशंस हमें मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट अस. और क्या पॉजिटिव है इमोशंस का, मेक अस इफेक्टिव. सी खाली एफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, इफेक्टिव भी होना चाहिए. सी लोग आपके पास से रो के जा रहे हैं उसका भी क्या फायदा, या आपसे एसी खरीद लिया 40,000 का बाद में पछता रहे हैं तो उसका भी क्या फायदा. सो मेक अस इफेक्टिव. फिफ्थ आर द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, आर द साइन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, एंड नॉट वीकनेस. सी पहले लोग कहते थे इमोशन से इंसान वीक होता है, इमोशन से ताकत मिलती है, आप देखिए वीकनेस. नेक्स्ट help us arrive at effective judgment. Effective again वही जो लोगों को मदद करे. Help us arrive at effective judgment. Second, activate ethical values. Emotion होंगी तभी तो आपके अंदर values display होंगी, ethical values. Eighth, promote vital information and feedback. Promote vital information and feedback. And ninth, enhance reasoning. तो इमोशंस के बहुत पॉजिटिव फीचर्स हैं जो शायद इग्नोर हो गए थे, सिर्फ नेगेटिव पे फोकस था. एनहांस रीजनिंग, एनहांस रीजनिंग, है ना, पैरा चेंज करके लिखे. तो ये जब पता चला तो इसके बाद हमने डिसाइड किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है, डेनियल गोलमैन ने फेमस किया. पैरा चेंज करके लिखे, इट इज फॉर दीज रीजंस. और वैसे भी अगर इमोशन जरूरी नहीं होती है हम ये चैप्टर क्यों ही पढ़ रहे होते. इट इज फॉर दीज रीजंस that there has been a resurgence of interest in studying emotions, resurgence of interest in studying emotions, and this interest, ab log samajhna chahte hain ise. There has been resurgence of interest in studying emotions, and this interest has been further activated with, and this interest has been further activated with, has been further activated with the advent of, further activated with the advent, further activated with the advent of the concept of, advent of the concept of emotional intelligence, underline. And this interest has been further activated with the advent of concept of emotional intelligence popularized by Daniel Goleman. So ऐसे लिखो, डैनियल गोलमैन. डैनियल गोलमैन बस डेफिनेशन कर लेते हैं, बाकी समझेंगे कब. डैनियल गोलमैन के अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, लिखो इन्वर्टेड कॉमास. It is capacity for recognizing our own feelings
for recognizing our own feelings, comma, our own feelings and those of others, अपनी फीलिंग समझना, दूसरों की फीलिंग समझना. इट इज कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स फॉर मोटिवेटिंग आवर सेल्स, सी समझने के बाद डिसीजन भी लेना ना, एंड फॉर मोटिवेटिंग आवर सेल्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस, for motivating ourselves and for managing emotions and for managing emotions well in ourselves, abhi samjhata hu, abhi likho bas, well in ourselves and in our relationships, well in ourselves and in our relationships. जो जो अंडरलाइन किया वो करो, डेफिनेशन लिखो, अभी समझाता हूं. इट इज कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स फॉर मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स, एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन आवरसेल्व्स एंड इन आवर रिलेशनशिप. देखो, लेट मी एक्सप्लेन दिस. ये इस डायग्राम से समझ आएगा आपको, हालांकि कल हम इसे और इसके कंपोनेंट्स वगैरह करेंगे तो देखेंगे. ध्यान से देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं. लेट्स से ये जो पहला बॉक्स है ये आपका है, ये अदर्स जिससे आप मिल रहे हो. लेट्स से ए इज मीटिंग विद बी. तो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन इमोशंस, तो पहली चीज क्या है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग सेल्फ या ओन इमोशंस. भैया आपको पता होना चाहिए अपने बारे में कि अभी आपका मूड कैसा है, अच्छा मूड है, बुरा मूड है, काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एफिशिएंसी होगी या नहीं होगी. लेट्स से आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, गुस्से में हो, आप तो इससे फिर बात ना करो आप, क्योंकि करोगे तो नुकसान ही करके आओगे. तो अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने बारे में अवेयर होना चाहिए. पहला कंपोनेंट जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो होता है सेल्फ अवेयरनेस. सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए. सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर ओन इमोशंस एंड दैट ऑफ अदर्स. उसके बाद जब आप दूसरों को देखो, दूसरे को देखो, तो आप उसकी बातचीत से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये समझो कि उसकी इमोशन कैसी. वो गुस्से में है, सिलेट से आपके डेस्क पे कोई आके बोल रहा है कब काम करोगे, इतना टाइम हो गया, तो आपको पता उससे अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो गुस्से में दिख रहा है, कोई हाथ जोड़ के बात कर रहा है. तो आपको दूसरे को भी देख के समझना है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से, और इसके लिए वही आपको बताया है, जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना बेटर है. पर इट इज कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन इमोशंस एंड दैट ऑफ अदर्स. तो दूसरी चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस. दूसरे के बारे में समझो जब उससे मिल रहे हो, अदर्स इमोशंस, है ना. और इसे हम ये कह सकते हैं दूसरा कंपोनेंट एम्पैथी, दूसरों की इमोशन समझना, दूसरों के साथ एम्पैथाइज करो. सी कई कई बार ऐसा होता है ना, लेट्स से आप गाड़ी में बैठे हो पार्किंग में, एक भिखारी आए या एक भगवान के कपड़े पहने हुए या एक जैसे भी उल्टे सीधे कपड़े पहन के कोई आपके पास आए और आपको बोल रहा है कि आपका ये कर देंगे बच्चा, ये कर देंगे, आपको उसे देख के पता चल जाता है पैसे मांगने वाला है, तो आप फटाफट से शीशा ऊपर करके क्या बोलते हो, नहीं नहीं भैया नहीं चाहिए. आप उसकी बात ही नहीं सुनते हो क्योंकि आपने उससे बात करते ही उसकी इमोशन समझ ली है कि ये पैसा मांगेगा. एग्जैक्टली. सी आप इमोशनल इंटेलिजेंस दो लोगों के बारे में पता चलेगा ना, रिएक्शन. तो पहले आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए, फिर दूसरे के बारे में पता होना चाहिए. दूसरे को समझो. इट इज कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन इमोशंस एंड दैट ऑफ अदर्स एंड देन फॉर मोटिवेटिंग आवरसेल्फ. उसके बाद तीसरा कॉम्पोनेंट भी सेल्फ के अंदर आता है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन और एक और है सेल्फ रेगुलेशन.
ये दोनों कंपोनेंट आपके साथ हैं, सेल्फ रेगुलेशन. इनका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए. सी, आपसे कोई इंसान मिला, आपने पहले अपनी इमोशन समझी. सी, ये बहुत जल्दी होता है, क्विकली एक डिसीजन होता है. आपने अपनी इमोशन समझी, आपने दूसरे की समझी, उसके बाद आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कोई एक्शन लेने के लिए. सी, लेट्स से आपने सामने वाले की बात सुनी, वो उसने आपको आके बोला कि वहां पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप प्लीज मेरी मदद करो. तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा ना कि चलो मदद करते हैं, चलो इसके लिए काम कर देते हैं, इसकी फाइल पास कर देते हैं. तो आपको अपनी इमोशंस, मोटिवेटेड सेल्फ फॉर रिएक्शन, राइट, मोटिवेटिंग सेल्फ फॉर एक्शन, मोटिवेटिंग, क्योंकि एक्शन ही नहीं लोगे तो क्या फायदा सेल्फ फॉर एक्शन. भाई बात करनी है नहीं करनी, शीशा ऊपर करना है या पैसे देने हैं कि नहीं. तो आप देखिए, लेट्स से आपके खिड़की के बाहर एक भिखारी आके खड़ा हो गया, तो सबसे पहले आपने अपनी इमोशन समझी कि कैन इज योर मूड गुड और बैड. किसी दिन गुस्से में होते हो तो आप उसे बोलते हो भाग भाई, अच्छे मूड में होते तो सुन लेते हो. आपने उसकी बात सुनी, फिर आप मोटिवेट करोगे कि 5 रुपए में क्या ही गरीब हो जाऊंगा, दे देता हूँ यार पैसे. या कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं पैसे नहीं देना, इनको आदत पड़ जाती है, तो वो आप खुद को मोटिवेट करोगे. फिर होता है सेल्फ रेगुलेशन. सी, जब आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो एक्शन देने के लिए, तो आपके पास बहुत सारे एक्शन के ऑल्टरनेटिव आते हैं मन के अंदर. या तो आप पैसा देना चाहते हो, या आप उसे पीटना चाहते हो, या उसे आप जेल में करवाना चाहते हो. तो आपको वो सारी चीजें, अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना है. मैनेजिंग योर इमोशंस, मैनेजिंग योर इमोशंस, ये सब आपके अंदर हो रहा है. देखिए, दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स आर हैपनिंग विद इन योर सेल्फ. सो ये डेफिनेशन आप समझ रहे हैं, इट इज कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस एंड दैट ऑफ अदर्स. अपनी इमोशन दूसरे की समझो, फिर खुद को मोटिवेट करो कोई डिसीजन लेने के लिए, और आपके पास जो डिफरेंट इमोशंस आ रही हैं उनमें से चूज करो कौन सी इमोशन डिस्प्ले करनी है. फाइनली यू डिस्प्ले इट टू हिम, पैसे देने हैं या नहीं देने हैं. फोर्थ होता है हैंडलिंग इमोशंस, लाइक लास्ट वो है हैंडलिंग इमोशन. उसके बाद आप उसे क्या, कैसे रिएक्ट करते हो, बिहेवियर, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, relationships, डराना है, पीटना है, पैसे देने हैं कि नहीं, this is your social skills. तो आप देखिए, ये है emotional हाँ, normally ऐसे ही होता है. तो आप देखिए, ये है आपकी emotional intelligence की definition जो Daniel Goleman ने कही, जिसके 5 component है. It is capacity for recognizing our own emotions and that of others, then managing emotions and regulating emotions among yourself, and then displaying emotion. आप मेरे पास एक doubt लेके आए, तो पहले मैं अपने बारे में aware हूँ कि क्या इस time के अंदर मैं आपके doubts ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ. हाँ, फिर मैंने आपके doubts सुने, फिर मैंने आपका viewpoint सुना, empathy, फिर मेरे अंदर बहुत, मेरे को खुद को मोटिवेट करना है. लेट्स से आपका डाउट सुन के मेरे को लग रहा कि मेरे को इसे लिख के कंसेप्ट समझाना है, तो मेरे को मोटिवेट करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, 5 मिनट ही तो है, कर देता हूं, है ना. उसके साथ साथ 4-5 और चीजें मेरे मन में आ रही हैं कि इसे भगा दूं, कल बुला लूं, या कह दूं कि बुक से पढ़ लियो. तो ये मेरे को खुद को रेगुलेट करना है. और फाइनली मेरे को आपको बोलना है 5th event कि यस, लाओ अपनी कॉपी दो, या कल आना या परसों आना. तो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये है. Is it clear to everyone? क्या definition clear है? Is the definition clear to everyone? Yes. आप देखिए, आज हमने ये देखा है, first चीज हमने देखी है emotions क्या होते हैं, और emotional intelligence का background और emotional intelligence की definition देखी है. कल हम ये 5 components लिखेंगे. सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है, रेगुलेशन डिटेल में, और फिर वो छोटे छोटे कल, यू नो, इन नेक्स्ट क्लास वी विल वाइंड अप इमोशनल इंटेलिजेंस. जस्ट मी, इज इट क्लियर? अ क्विक रीकैप, इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ योर बॉडी एंड माइंड मूवमेंट्स दैट हैपेंस टू अर एज अ रिएक्शन टू सम पर्सन, इवेंट और ऑब्जेक्ट, है ना. 6 basic इमोशंस होती है, हैप्पीनेस, एंगर एंड ऑल दैट स्टफ, राइट. इनिशियली सबको ये लगा था कि अगर इमोशंस दिखाते हैं बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आपको कमजोर बनाता है, वो आपका लॉजिकल डिसीजन मेकिंग हर्ट करता है, वो एफिशिएंसी हर्ट करता है, और नेपोटिज्म वगैरह प्रमोट कर सकता है, है ना. लेकिन बाद में थिंकर्स ने प्रूव किया कि इमोशन से ट्रस्ट बनता है, मोटिवेशन आती है, क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आती है, और एफिशिएंसी तो आएगी,
इफेक्टिवनेस भी आती है। इसीलिए एक कंसेप्ट नया मार्केट में आया जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि डैनियल गोलमैन ने प्रमोट किया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया इट इज कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आर इमोशंस, दैट ऑफ अदर्स, देन मैनेजिंग आर इमोशंस एंड देन डिसाइडिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और उनका ये मानना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको 80% सक्सेस का फैक्टर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, नॉट आईक्यू। सी एक बार सारे आईएएस बन गए, कुछ आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते, तो वो क्या है? आईक्यू तो सबका सेम था, ईक्यू हैंडलिंग डिसीजन मेकिंग। जरूरी नहीं है रैंक वन आईएएस अच्छा डीसी बने और रैंक 10 उससे पीछे डीसी बने। हो सकता है रैंक 10 जिसकी आई है वो बेटर डीसी बने, द रीजन बीइंग उसका ईक्यू बहुत अच्छा होगा, उसका हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी होगी, है ना? सो इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गया? यस और नो? क्लियर? हाँ, देखिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में फर्क क्या होता है। एफिशिएंसी होती है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, कि आपने 100 रुपए लगाए, बदले में 100 आ गए तो 100% एफिशिएंसी, 100 रुपए लगाए 200 आ गए तो 200% एफिशिएंसी। वो सिर्फ नंबर गेम होता है, कितना इनपुट था कितना आउटपुट आया। इफेक्टिवनेस होता है आउटकम, कि भैया आपने कहा कि मैं 2 स्कूल बनाना चाहता हूं एक गांव में, आपने दोनों स्कूल बना दिए, 100% एफिशिएंसी, लेकिन क्या लिटरेसी लेवल बढ़ा है, क्या लोगों को समझ आ रहा है, दैट इज इफेक्टिवनेस। लोगों पे रिजल्ट हो रहा है कि नहीं, है ना? आई होप दिस इज क्लियर, है ना? तो देखो इसके नोट्स मैं चैनल पर डाल देता हूँ, है ना? और जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसे वाइंड अप कर देंगे। एग्जैक्टली, क्वांटिटी एंड क्वालिटी का फर्क है, बिल्कुल सही, है ना? तो इसकी नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी उसके अंदर हम इसे वाइंड अप कर देंगे, है ना? तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना? तो एंड टुडे 6 o'clock देयर इज योर वो प्रीलिम्स का टिप्स एंड ट्रिक्स वाला सेशन, प्लीज लगा लीजिएगा, काम आ जाएगा, वैल्यूएबल सेशन है। द रीजन बीइंग ऑफ प्रीलिम्स आ रहा है, आपके अगर 10-20 मार्क्स उस सेशन को लगा के बढ़ सकते हैं कुछ। देखिए टिप्स सुनने में और इम्प्लीमेंट करने में फर्क है। अब आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करेंगे तो जब आप वो टिप्स और ट्रिक्स टेस्ट सीरीज में लगाएंगे तब हिम्मत आएगी प्री में लगाने की, वरना नहीं लगा पाएंगे आप। आज सिर्फ बस एक 6 बजे वो वाली क्लास है, लाइव सेशन, और कोई नहीं है, ठीक है? तो वो हम देखेंगे। एंड प्लीज रिवाइज इमोशनल इंटेलिजेंस नोट्स, इसके मैं चैनल पे पीडीएफ डाल रहा हूँ और वीडियो तो इसकी है ही, फिर आप इसे रेफर कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कल हम कंप्लीट कर लेंगे। कल बस सुबह 10 बजे से एथिक्स है, शाम तक ये चलेगा, लाइव सेशन नहीं होगा कल, होपफुली, राइट? थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन दैट लाइव क्लास।